हलो एवरी वन वन साधन दिने स्वागत है आप सभी का आप लोग हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मार रिवीजन लेक्चर में पिछले पंद्रह दिनों से धमाकेदार लेक्चर्स के साथ पूरे कॉमर्स साइंस के लिए हमने पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अकाउंट होती और अब बारी है इंग्लिश एग्जाम के पहले इंग्लिश के रिवीजन की हमारी जो टीम है बहुत जोरदार तरीके से आपके लिए काम कर रही है मुकेश सर के चैनल पर पिछले तीन चार घंटे से अभी लेक्चर चालू था लगातार लेक्चर चालू है हमारे प्रमोद सर आपको लगातार इंग्लिश पूरे डीप में पढ़ाए जा रहे हैं मुकेश सर के चैनल पर तो जैसे कि मालूम है कि हम सभी टीचर्स मिलकर आपको तो कंटेंट दे रहे हैं तो यहां बच्चों की हाई डिमांड पर मैंने भी एक कोशिश की है कि एग्जाम के आखिरी दो दिनों में मैं अपनी तरफ से जो, जो जोर लगा सकूं वो क्यों ना लगा दूं तो यार आप सभी के लिए रिवीजन फॉर इंग्लिश गिवन बात दिनेश सर एच बोर्ड एग्जाम हाँ हाँ भाई बारहवीं की बोर्ड एग्जाम चार मार्च को है सबने कोशिश की थी कि एग्जाम हिंदी मराठी की तरह क्या शिफ्ट हो सकती है अरे थोड़ा सा तो शिफ्ट करा दे लेकिन आपने इतनी कोशिश करी और हमने भी कोशिश करी कुछ भी नहीं हुआ तो क्या हम डर जाएंगे अरे झुकेगा ना इस साला देगा एग्जाम हम देगा हमारे बच्चों की तैयारी हम कराएंगे कौन कहता है मेरे बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे अरे तू एक मौका तो दे यही बच्चे जो है आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश कंटेंट हाँ भाई हाँ तैयार हो जाओ अब सभी बच्चे होंगे पास जिन्हें लगता था पढ़ने से डर अरे हो क्या आजा बच्चे इधर और जो अच्छा कर रहा था वो आउट ऑफ के करीब पहुंचेगा तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र के आपके प्यारे चैनल दिनेश सर लाइव चैनल में तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं यस शुरू करते हैं इवेलुएन प्लान से हाँ भाई हाँ, ये वही प्लान है देखो कभी भी हम लड़ाई में जाते हैं तो पूरी प्लानिंग करके जाते हैं कि सामने जो यूक्रेन है या रशिया है उसके कितने फंटर्स या सैनिक हैं कितने हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन आ रहे हैं उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करके जाते हैं कुछ भी पढ़ के मत चले जाना एग्जाम में पहले अपने पेपर को एनालिसिस करके जाओ कि भाई एक्चुअल एग्जाम में पूछने क्या वाले हैं कुछ भी पढ़ के बच्चे जाते बाद में उधर आते अरे सर ये नॉवल्स का क्वेश्चन आया सर क्या होता है सोला मार्क गई भैंस पानी में सोला मार्क गए नॉवेल्स ही पता नहीं क्या है हा राइटिंग स्किल में एक से एक ब्लॉग लिखने आ जाएगा ब्लॉग लिखो सर ब्लॉग क्या होता अच्छा वो हाँ फ्लाइंग ब्लॉग करता सौरभ जोशी ब्लॉगर वो ब्लॉग बनाने का क्या लिखने का तो भाई ये सब नहीं करने का देख के जा समझ के जा करना क्या है भाई एक्चुअल में हमारे प्रमोद सर ने मुकेश नायक सर के चैनल पे बहुत जबरदस्त कंटेंट दे दिया है पूरी डीप में दिया पिछले महीने से बढ़ा रहे आज मैं आपको चीजें रिफ्रेश कराऊंगा बहुत मजा आएगा बारह हजार बच्चे आए यार महाराष्ट्र के इतिहास में महाराष्ट्र के इतिहास में ये एकदम हिस्टोरिकल मोमेंट होने जा रहा है आपको निराश नहीं करूंगा बहुत जबरदस्त बताऊंगा बेटा देख सबसे पहले हम बात करेंगे ये सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न शॉर्ट में ऑलरेडी मैंने दिया यह 20 मार्क आपको स्कूल से मिल चुका है 80 मार्क की बारी है और ये तेरे हाथ में तू 80 में से 70 प्लस कैसे भी लाएगा कैसे भी लाएगा भाई 90 प्लस इंग्लिश में आना ही आना है और तू ही तो लाएगा जो बच्चे डर रहे थे कि क्या मैं पास हो जाऊंगा तू भी पचास के ऊपर लाएगा डर मत भाई देख यहां पर तेरा जो पूरा का पूरा पेपर है मैं अगर बताना चाहू तुझे पूरा का पूरा पेपर है चार सेक्शन में डिवाइडेड है बेटा चार सेक्शन में डिवाइडेड है और ये तुझे पहले से पता तू सब जान चुका है सर ये सब आता है दूसरा कुछ बता हटा सावन की घटा नॉवेल बता अरे नॉवेल भी बताऊंगा बट बत मैं ए टू जेड सब बताने वाला हूँ मैं इजी से लेके कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दूंगा आपको टेंशन मत लो चार सेक्शन है बेटा पहला दूसरा तीसरा चौथा यही चौथा सेक्शन जो है बच्चे बोल रहे हैं नॉवेल का बताओ सोलह मार्क्स हमारा जा रहा है हाथ से ठीक है बेटा ये भी मैं बताऊंगा तू टेंशन मत ले भाई राइटिंग स्किल की बात करेंगे अरे बेटा ईमेल लिखना है ओके ब्लॉग लिखना है और बहुत सारी चीजें लिखना है राइटिंग स्किल में थर्ड में ये भी बताऊंगा ठीक है समझ में आ रहा है तो ये अपने सोलह सोलह मार्क्स हाथ के हैं इसमें थोड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी आपके बुक के जो चार नॉवेल है फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फोर ये चार नॉवेल की तैयारी करनी है बट कैसे होगी सर इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ये फोर पॉइंट वन जो नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल नॉवेल कब शुरू हुआ सर नॉवेल का पहले मतलब तो बताओ अरे नॉवेल मतलब कुछ नहीं रे उपन्यास होता है एक मोटी सी बुक होती है जिसमें जो ऑथर होता है राइटर होता है वो एक मूवी जैसा लिखता है जैसे आप मूवी देखते हो उसी मूवी को पूरा एक बुक बना के स्टोरी लिखा जाता है और उसमें कैरेक्टर्स कुछ होते हैं और आप उन कैरेक्टर्स में घुस जाते आपको लगता है यार मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है रियल टाइम एक्चुअल दरवाजा खुला दरवाजे खुलने की आवाज कर 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 कर, 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 कर। जैसे ही हीरो ही अंदर घुसा उसने देखा कि अंदर एक बुढ़िया खडिये पर सोई है मतलब कि नॉवेल मतलब एक ऐसी स्टोरी होती है बेटा जिसके अंदर जिसके अंदर पल पल को एक एक सीन को दिखाया जाता है और वो राइटिंग में होता है यहां हमारे बुक में इंग्लिश नॉवेल्स की बात की गई है कि इंग्लिश नॉवेल कैसे दो साल पहले शुरू हुए समझ में आ रहा है फिर उनका इतिहास क्या था फिर इंडिया में जो पहला नोवेल किसने लिखा उसके बाद इंडिया में कैसे तो ये पहला चैप्टर है तुम तो उतना कौन याद करेगा यार इतने बड़े बड़े नाम है के के नाम है, वो भी के नाम है इंग्लिश हिंदी का नॉवेल बड़ा अच्छा रहता ओके खून का जंजीरा खून की प्यासी ऐसे ऐसे नॉवेल्स होते है आजकल के हिंदी के नॉवेल्स बोले अपने इंडियन नॉवेल्स बट हमें यहाँ पर इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ना है इंग्लिश के नॉवेल्स के नाम ये सब बड़े डेंजर है अच्छा हमारा जो नॉवेल्स वाला क्वेश्चन है लास्ट में फाइव ए बी सी डी ये जो नॉवेल्स वाले क्वेश्चन है भाई दो दो मार्क के क्वेश्चन है ओके दो दो मार्क के दो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन चार मार्क इस तरह से ये पांच ए बी सी डी जो भी है ओके सोलह मार्क्स ये फोर पॉइंट वन से पहला क्वेश्चन है फोर पॉइंट टू से क्वेश्चन है फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फोर यानी हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली एक चैप्टर डिसाइड किया गया फोर पॉइंट फोर से चार मार्क आएगा फोर पॉइंट थ्री से चार मार्क फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट वन

प्रोज मतलब क्या होता है कोई चैप्टर कोई कहानी ओके कोई डिस्क्रिप्टिव चैप्टर हो सकता है या कोई स्टोरी हो सकती है या कोई ऐसे जो चैप्टर होता है प्रोज सेक्शन वन में दो प्रोज है आपके दो प्रोज है एक सीन एक अनसीन देखो प्रोज में से पैराग्राफ आते हैं पैराग्राफ आपके चैप्टर से पैराग्राफ आते हैं आपकी बुक में इतने सारे चैप्टर हैं उसमें से कोई एक सीन पैराग्राफ आएगा आपको सब पता है दूसरा जो पैराग्राफ है वो अनसीन होगा अनसीन मतलब आपकी बुक से नहीं है बाहर से कुछ भी आ सकता है रैंडमली कोई भी बुक से अलग ही पैराग्राफ आया तो यहां पर सारी चीजें आपको इन दोनों में पैराग्राफ में ढूंढ के लिखना है ठीक है है तो अब यहां पर टोटल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर ओके में ए और बी है क्वेश्चन नंबर वन में जो सीन पैराग्राफ है वो बारह मार्क का है ओके लैंग्वेज स्टडी यानी कुछ ग्रामर आ जाएंगे तीन मार्क के और स्पॉट द एरर स्पॉर्ड मार्क सोलह मार्क हो गया पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर वन ए है क्वेश्चन नंबर टू अठारह मार्क का है अठारह मार्किन पैसेज बोला ना बारह मार्क का तीन मार्क का समरी लिखना है इस पैसेज का ही समरी लिखने का यानी टोटल अनसिन पैसेज पंद्रह मार्क का हो गया और एक माइंड मैपिंग है बच्चों को लग रहा है सर माइंड मैपिंग हमारा माइंड डाल देने का क्या हाँ आपका माइंड डाल देने का माइंड को मैप कर देने का तो ये बहुत इजी होता है माइंड मैपिंग तीन मार्क कैसे पूरा मार्क लाने का पूरा बताऊंगा देख ये चीजें मैं रिवाइज कराने वाला हूं आज सेक्शन वन खत्म हो गया भाई चौतीस मार्क के लिए सोलह मार्क का पहला सीन पैसेज पैसेज सम ग्रामर ग्रामर मार्क मार्क के का एक अनसीन समरी एंड माइंड मैपिंग तीन तीन मार्क चौतीस मार्क तेरे इधर से आ गए सेक्शन टू में आ जा बेटा सेक्शन टू पोइट्री की बात करता है अरे कविता 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 कौन कविता अरे तेरे पड़ोसी नहीं रे इधर आ पोयम कविता बोले तो पोयम इसको पोएट्री भी बोलते हैं तो ये जो पोएट्री होती है सेक्शन टू में उसको स्थान दिया गया है तुम भी उसको स्थान दो कविता को ओके तो कविता को स्थान कहाँ दिया गया है सेक्शन नंबर टू में ये क्या कहता है यहां पर कि भाई हम तुमको एक पोयम देंगे देखो आपकी बुक से दो पोयम और दो प्रोज चैप्टर्स डिलीट हो गए चार कौन से मैं बताता वो भी तो अब ये जो पोयम दिया गया बेटा ये जो पोयम दिया गया है इसमें एक पोयम के ऊपर क्वेश्चन आंसर आपको करना है दो दो मार्क के पांच दस मार्क हो गए और एक पोयम का अप्रीसिएशन लिखना है अब जो पोयम का क्वेश्चन आंसर पूछा होगा उसको छोड़ के दूसरा पोयम यानी टोटल समझो आठ में से दो पोयम डिलीटेड है तो छह पोयम में से एक क्वेश्चन आंसर के साथ आएगा और एक पोयम जो है अप्रिसिएशन करने आएगा सर ये अप्रीसिएशन से डर लगता है सर बाकी सब तो हो जाता है सर ये अप्रिसिएशन

तो यही तो है एप्लीकेशन तो अपना पेपर बहुत ईजी है चार चार मार्क के इस तरह से देखो सोलह मार्क्स राइटिंग स्किल पे है समझ में आ रहा है अब यहां पर एक अच्छी बात है कि जैसे पहला क्वेश्चन ए है चौथे में इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी तीनों के बीच में और लिखा होगा कोई एक करना है वाह वाह ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या ग्रुप डिस्कशन तो आपको जो पसंद में आओ करो तो वैसे ही यह सब मैं एक्सप्लेन करूंगा ओके और इसके बाद नॉवल वाला क्वेश्चन है ज्यादा मैं पेपर पैटर्न नहीं बताऊंगा आप ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर देख चुके हो तो ये जो नॉवल वाला क्वेश्चन है भाई ये सोलह मार्क का है चार चार मार्क करके और ये चार चैप्टर जो है आपके नोवेल के वहां से आने वाला है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन शुरू से करेंगे आज और कल में मिला के सब बताने वाला, आज और कल में मिला के होने वाला भाई पहले तो अपने दोस्तों के बच्चे भी सीबीएसई और आईसीएसई के पीछे नहीं है तुम रुकेंगे नहीं तो हम झुकेंगे नहीं ओके, तुम मानेंगे नहीं तो हम थकेंगे नहीं भाई तेरे सिलेबस के अंदर से बहुत से बच्चों ने पूरे साल भर यार बुक को हाथ ही नहीं लगाया था बोले तो हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा अपन तो नीट वाला बायो के अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा कॉमर्स वाले बोलते एग्जाम आएगा तो अपन चालू करेंगे अब उनको अभी तक पता ही नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं तो भाई टेंशन मत ले मैं आ गया हूं सबसे पहले तो ये मत पढ़ना कुछ बच्चे बाद में देखते हैं अच्छा ये डिलीटेड है ये नहीं पढ़ना था अरे ससुरा हम तो यही पढ़ के आए थे काय के लिए एनर्जी वेस्ट कर रहा है जो नहीं पढ़ना वो पढ़ने में टाइम मत गवा समझ में आ रहा है तो ये देखिए अब द न्यू ड्रेस और व्हाई वी ट्रैवल ये दो और ये शी वॉक्स इन ब्यूटी स्मॉल टाउन्स इन रिवर्स एंड रिवर्स ये डिलीटेड है ये नहीं पढ़ना पहले तो जो नए बुक को हाथ लगाए बाकी सबको पता ही है ये नहीं पढ़ना बेटा अब आजा शुरू करते हैं सेक्शन 1 यस मेरे दोस्त ओ हो हो आ जाओ बच्चों ये शेयर कर दो इस लेक्चर को बहुत मजेदार लेक्चर बहुत मजा आने वाला है अरे कौन कहता है तू कर नहीं पाएगा तू ही तो करेगा मेरे लाल तू ही करेगा और कौन करेगा तेरा वो दोस्त जो दिन भर पबजी फ्री फायर खेलता था अरे उसको छोड़ तू इधर आ उसको अगर चाहिए तो उसको भी लेके आ देख बेटा सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं सेक्शन वन सेक्शन वन में मैंने पहले क्वेश्चन की बात करी बेटा पहला क्वेश्चन वन ए ये जो रहेगा इस तरह से एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया होगा सर तो हमको भी पता है आगे बोलो ओहो सॉरी भाई तुमको तो सब पता है फिर भी साल भर नहीं पड़े

सिर्फ भरेंगे डर मत अठारह हजार दिस इज अग नंबर एंड थैंक्स एवरी वन फॉर गिविंग सो मच इंपोर्टेंट टू दिस यस तो ये पैराग्राफ है इट वॉज मोर देन एन आर एंड आई वाज स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री टू क्लाइम एंड गेट सिक्योर्ड ओके okay, क्या लिखा है भाई ओके okay, घंटे से ज़्यादा हो गया था और अभी अभी मैं मैं भी ढूंढ रहा था कोई एक पेड़ मुझे मिल जाए ताकि मैं चढ़ जाऊं और अपने आप को सिक्योर कर लू भाई 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 ये क्या चालू हो गया पढ़ते ही बंदा डरा हुआ है किसी से डरा है और सोच रहा है पेड़ पर चढ़ जाऊं तो करना क्या है सर पैसेज है तो क्या तुम पैसेज को पढ़ते पढ़ते है? कहानियों में खो जाओगे या क्या करोगे बच्चा देख पैसेज में टाइम कंज्यूम होता है पैसेज पढ़ना पड़ता है जब तक पैसेज नहीं पढ़ेगा तब तक आगे का सॉल्व कैसे करेगा इसीलिए ये जो पैसेज होता है एक बार पेपर लेके यस एक बार पेपर लेके शांति से पैसेज को ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा के पढ़ने का और इंटरप्रेट करने का मन में पैसेज को पढ़ के समझने का कि दिया क्या है अगर आपने पहले से पढ़ा है ये चैप्टर आता है तो कोई वादा ही नहीं और नहीं पढ़ा है तो पढ़ने का और अनसीन पैसेज में तो पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ के माइंड में समझो और कैसे समझने का सर हमने पढ़ के समझा बाद में क्वेश्चन पढ़ने गए फिर भूल जाते फिर इसका आंसर ढूंढने आते हैं फिर नहीं मिला तो फिर क्वेश्चन पढ़ते तीसरा फिर ढूंढते हैं पूरा टाइम ऐसे वेस्ट करते इसीलिए एक बार पढ़ो मन लगा के पढ़ो और उसको पिक्चराइज करो मन में पिक्चराइज करो जैसे जैसे आप कोई मूवी देख के आते हो

पिक्चर अपने मन में लाओ और ये पूरा पढ़ते पढ़ते चार से पांच मिनट में कोशिश करो कि पढ़ डालो क्योंकि दो ही पैसेज है भाई बहुत ज्यादा नहीं है और दो पैसेज के ऊपर इतने ज्यादा अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया पिक्चराइज करके आपको स्टोरी माइंड में आ गई अब आप आ जाओ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फो भी है दो दो मार्क के क्वेश्चन है उसको भरने की कोशिश ये तरीका होता है कोई भी पैसेज आ जाए कोई भी पैसेज आ जाए उसका जा एक तरीका होता है क्या तरीका होता है कि देखो ये कॉम्पिटेटिव बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है ना उसमें भी होता है और ये जो पैसेज है ना ये टाइम खाता है और इस बार आपको डर नहीं है आधे घंटे ज्यादा है तो खाने दो तो टाइम लगेगा चलेगा पांच से सात मिनट तो भी चलेगा अच्छे से पढ़ के पिक्चराइज करके आगे बढ़ने का और फिर इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे अब देखो क्या होता है कि जैसे ये पैसेज है सीन पैसेज आपके बुक का है अब कुछ भी आ सकता है तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है तब आपको यहां ज्यादा जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग नहीं समझती जैसे ट्रेल टी आर ए आई एल पहली बार ट्रेल

ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया था अगर किया होगा तो फटफट पढ़ -फट -फट लोगे तो याद आ जाएगा क्या कहानी थी तो यहाँ साइंस ऑफ द द विसिनिटी ऑफ विलेज यानी कि गांव नजदीक में गांव होने के चिन्ह क्या थे अब ये जो पैसेज है ना यहाँ पर ये बंदा चलते जाता है पैसेज कभी पूरा पढ़ूंगा नहीं टाइम जाएगा कि ये जो बंदा है ये डरा हुआ है हिलॉक्स से आगे जाता है छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं छोटी छोटी पहाड़ियों को हिलॉक्स बोलते हैं और आगे जाता है उसे एक भालू से भालू का डर है कि भालू आ गया तो क्या होगा मैं कैसे सामना करूंगा पेड़ पर पे चढ़ जाऊंगा सिक्योर करूंगा उसे कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है तो उसे रास्ते में कुछ तो ऐसे सिम्बॉल दिखते हैं ठीक है ओके यहाँ पर देखो आफ्टर अराउंड फिफ्टी स्टेप तक फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ध्यान से सुनो मुझे सिल्वर लाइनिंग दिखी एज ऑन दिस ट्रेल रास्ते पर सिल्वर लाइनिंग दिखी देर वेर मार्क्स मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल यानी साइकिल के जाने के साइकिल के पहियों के निशान दिख रहे थे दैट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी बड़ी राहत की सास मैंने ली उसके वजह से बड़ी राहत थी देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय नजदीक में कोई गांव हो सकता है अब अगर आप ये पैसेज पढ़ते तो आपको याद आएगा अरे हाँ वो साइकिल का निशान दिखा था तो उसको थोड़ा राहत हुआ था कहीं तो नजदीक में गांव है ऐसा आपको याद आएगा और जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको याद आया फिर यहां देखने का साइन ऑफ द द विसिनिटी ऑफ विलेज नजदीक में गांव होने की चिन्ह क्या थे बाइसिकल रास्ते में बाइसिकल थे याद आ रहा है और फिर इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ पॉइंट दिखेंगे जैसे और पैसेज अगर आप पढ़े हो तो आपको तीन से चार पॉइंट दिखेंगे कि उसको क्या दिख रहा है ओके okay? अभी जैसे कि, अभी इसको करना कैसे होता है समझो ये मिल गया अब आपने पैसे जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताना मकसद नहीं है मेरा मेरा ये मकसद है आपके सामने आने के बाद कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको करते कैसे है? ये जैसा वेब है ऐसा सेम टू सेम आप बनाओगे

Okay? फिर ये था पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें से लोगों की आवाज आ रही थी तो ये चारों निशान थे कि भाई आस पास में कोई गाँव है वो बचने के लिए जाना तो हमने ये किया अब ये किया तो आपको दो मार्क्स आपके पक्के हो गए हरे अगर समझो आपने सर दो ही सही किया आपने यहाँ पर किया और दो पॉइंट सही हो गए और ये दो गलत हो गए या छोड़ दिया तो आपको हाफ एंड हाफ वन मार्क तो मिल जाएगा और ये चीजें क्या है आपको नहीं आती तो भी ढूंढना तो है ढूंढना तो है थोड़ा सा समझ के चारों सही हुआ ओके और भी कुछ आप लिखते हैं जो रिलेटेड है आपको लगता है कि नहीं ये तीसरा चौथा है ना ये चौथे के बदले आपने दूसरा कुछ लिख दिया तो भी चलेगा बट रिलेटेड होना चाहिए मिलेगा बात देखो यहां पर आपका इंग्लिश का नॉलेज चेक किया जा रहा है कि आपको इंग्लिश का कितना नॉलेज है क्या आप सही से आंसर लिख सकते हो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पर्सनल मैसेज पर्सनल रिस्पॉन्स वाले होंगे फिर आपको बहुत सारे जो राइटिंग स्किल है वो आपके टैलेंट के ऊपर है कि आप इंग्लिश कितना उल्टी कर सकते हो पेपर में समझ में आ रहा है उल्टी कर सकते हो मतलब समझे एक को पूछा था मैं इंग्लिश आती है और सक माला खूब भारी इंग्लिश है खूब फास्ट इंग्लिश बोलते मी मतलब बोलून दाखो इंग्लिश 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 अरे मेरा ऐसा इंग्लिश से तो कोई भी बोलेगा अरे बाबा वो इंग्लिश का नॉलेज नहीं है इंग्लिश समझ रहा है क्या होता है

कविता नाम सुनते ही खुश हो गए जो पोयम होता है ना पोयम उसको लिखने वाले पोएट होते हैं या तो लेडीज तो है तो पोएटिस कवित्री कवि है तो पोएट वो याद रखना अप्रीशियशन में हमें लिखना पड़ता है पोयम का नाम और पोएट या पोएटिस का नाम लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में सब बताऊंगा मैं तो तुम ऐसी चार फोर सेंटेंस बताओ जो हमें बताता है कि जो राइटर है यानी जो इसमें जो कैरेक्टर है जो बंदा डर रहा है आगे जा रहा है वो प्राइटेंड यानी डरा हुआ अब ऐसा क्वेश्चन आ गया और हमें बोला है चार सेंटेंस लिखो तो आपके ऊपर है आप ढूंढो कौन से सेंटेंस को देख के लग रहा है, है। तो मतलब यही नहीं नहीं का, का होना चाहिए क्यों रॉन्ग पानी का फॉर्मूला तो एस टू तो होता है इतना सारा क्यों लिखा सर ये तो गटर का पानी है ना गटर का पानी है इसलिए एस टू ओ के एल एम एन फोर एस टू एच ओ फोर यह सब बोला तो भाई मार्क्स तो देना पड़ेगा ना पानी साफ पानी, पानी रहे साइंस वाले समझे रहेंगे कॉमर्स तो आर्ट समझो यार कोशिश करो तो यहां पर ये चार पॉइंट जरूरी नहीं कि जो होता है वही लिखना है आप कुछ तो सोच के लिखो रिलेटेड लिखो कि राइटर क्यों डरा था क्योंकि तो राइटर को डर था कि वहां पर कोई बियर है भालू है ओके ये सारी चीजें तो आप खुद के दिमाग से करोगे समझने की कोशिश करो देखो द इवनिंग ब्रीज थ्रू द माई वेट कर्न हेयर उसके जो बालों में से ठंडी ठंडी हवाएं जा रही थी डर लग रहा था उसको फिर एक है कि माई स्टमक वॉज एकिंग उसका जो पेट है वो दुख रहा था इसलिए भी डर लग रहा था तो ऐसे माई लेग्सिंग उसके जो पैर है कप कप आ रहे थे चल चल के थक गया था पहाड़ियों पर और द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड बिट और उसने कुछ तो आ, हलचल सुन ली थी किसी जानवर वगैरह की तो ऐसे इसने चार पॉइंट लिखा हर एक पॉइंट को आधा था माथे क्योंकि दो मार्क का क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त दो मार्क का क्वेश्चन है दो मार्क लाने के लिए चार पॉइंट लिखने पड़ेंगे और यहाँ खुद भी बोला है तो भाई जरूरी नहीं कि जैसा एक्सपेक्टेड है वही लिखो थोड़ा अपना दिमाग लगा इसलिए मैंने आज बोला था कि कि कसम 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 खा के जा। कसम खा के 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 जा जा मां एक क्वेश्चन नहीं छोड़ आऊंगा पूरा करके आऊंगा नहीं होता है तो भी करूंगा अरे राम नाम जपना आगे वाले का पेपर अपना ओके, और क्या करेगी सपना ठीक है एकदम ध्यान से दे देख बेटा एकदम ध्यान से देख दे छोड़ने का नहीं हम टीचर लोग क्या करते ढूंढते बच्चे ने किधर लिखा है इधर अच्छा चार पॉइंट लिखा है के लिखा है

चल बेटे चल आगे चलेंगे ओ ओ डियर, डोंट फियर यार, परसों इंग्लिश का पेपर है, एकदम एकदम तुझे डीप में भी सारा कंटेंट दूंगा पीडीएफ दूंगा तुझे जो चाहिए सब दूंगा तू ओके okay? okay? लोग कहते हैं कि पांच हजार बच्चे जब तक नहीं होंगे मैं पढ़ाना नहीं चालू करूंगा अब मैं क्या बोलू बीस हजार बच्चे यस yes, महाराष्ट्र की इतिहास में पहली बार हो चुका है यार इतने बच्चे पढ़ने के मकसद से एक साथ आए नहीं तो हमें हमेशा हमें गाइड करने आता था बोर्ड एग्जाम के बारे में तो चालीस हजार तीस हजार बच्चे आते थे बहुत खुशी की बात है थैंक यू एवरीवन एंड इसी तरह से एकता बनाए रखे पढ़ने के लिए अभी अगला क्वेश्चन है ध्यान से सुनना कि इंटरफेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दो मार्क का ये क्या कहता है कि इंटरप्रिट करो व्हाट इज इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी चीजों का चीज का अर्थ विवेचन करना सर ये तो इंग्लिश से भी भारी लग रहा है विवेचन अरे मीनिंग समझाना रे मीनिंग किसी चीज को इंटरप्रिट करना ओके समझ में आ रहा है कि मैंने जैसे बता दिया शिमला शिमला जा रहे हो, शिमला जा रहे रहे हो हो अच्छा साथ में जा रहे हो अच्छा एक काम करो अच्छा जैकेट विकेट स्वेटर वगैरह लेके जाना अब तुम क्या इंटरप्रिट करोगे क्या इंटरप्रिट करोगे हाँ शिमला में बहुत ठंडी है ना इसीलिए ऐसा बोला सर ने हाँ इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन यानी कुछ कहा गया और उसका मीनिंग आप क्या समझ रहे हो कभी कभी लोग उल्टा भी समझ लेते हैं कभी कभी मैं जैसे बोलूंगा कल क्या बोलते हो कल फ्री हो क्या साढ़े सात बजे तुम बोले क्या साढ़े सात बजे रात को क्या कुछ काम है क्या नहीं बोलो ना फ्री हो क्या अब तुम वहां इंटरप्रिट करो लगता है सर पार्टी देने वाले हैं लगता है कहीं पे तुम अपने मन से तो जोड़ो फिर मैं बोलूंगा अरे इंग्लिश का लेक्चर है फ्री है तो आना साढ़े सात बजे कल भी आना समझा ना तो ये होता है इंटरप्रिटेशन अब देखो ये क्वेश्चन है समझ रहे हो क्या एक्सप्लेन वॉट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग ऑफ द ट्रेल बाय द राइटर एंड वाई देखो यहां पर आपको दो चीजें पूछिए एकदम यहां पर दो चीजें पूछिए अगर आप देखोगे एक मिनट हा यहां पर दो चीजें पूछिए कि एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो यहां पर जूम कर रहा हूं ताकि आपको दिखे ओके सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है जो ट्रेल है यानी रास्ते रास्ता जो है सिल्वर लाइनिंग है बाय द राइटर एंड वाई जो लेखक है वो रास्ते को सिल्वर लाइनिंग क्यों बोल रहा है चांदी की सड़क की रेखा क्यों बोल रहा है और क्यों बोल रहा है ना कभी कभी हम बोलते तो चांदी हो गई क्यों बोलते हो असली में चांदी होती नहीं जब आपके लिए कुछ अच्छा होता है समझो किसी को आ, मतलब रास्ते पे गिरे हुए पांच सौ की नोट मिल गई तो दोस्त देखता अरे तेरी तो चांदी है पार्टी दे सिल्वर समझ रहे तो वैसे ही यहाँ पर ये यह जो राइटर है वो बोल रहा है सिल्वर लाइनिंग ऑफ द ट्रेल क्यों बोल रहा है यहाँ पर दो चीजें होती हैं Okay, मतलब राइटर एंड वाई तो मतलब और, और हो गया दो मार्क्स तो वाई का पक्का है अरे कैसा पक्का है वो भाई भी था। उसको ध्यान दिया क्या इसमें मार्किंग होती है ब्लू प्रिंट होता है कि भाई इस क्वेश्चन में दो मार्क अलॉट होंगे एक मार्क रीजन लिखने का एक मार्क एक्सप्लेन हल्के में नहीं लेने का चीजों को हल्के में नहीं लग माई गॉड बीस हजार पांच सौ बच्चे पूरे वन महाराष्ट्र की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेक्चर ये हो रहा है ना कि सौ सो सोनार की और एक लोहार की एक ही लेक्चर इतना इफेक्टिव होगा ना कि भाई तेरे को छोटी छोटी बातें बताऊंगा और तू गलती नहीं करेगा और ज्यादा मार्क्स लाएगा बेटा देख अब यहां पर जो सिल्वर लाइनिंग थी हमने अभी पढ़ा था यहां पर कि कहीं पे सिल्वर लाइनिंग थी ओके okay. <coughs> यहां पर हमने पढ़ा था कि कहीं पे वो सिल्वर लाइनिंग थी ये देखो ये रहा देखो ध्यान से देखना पैराग्राफ में आपको याद आएगा अरे हाँ, मैंने ये सिल्वर लाइन कहीं तो पढ़ी थी जब आप पिक्चराइज करके पढ़ रहे थे तो तो उस वर्ड को पकड़ना देखो पैसेज सॉल्व करने में ना बहुत से बच्चों को इंग्लिश है ना समझ में नहीं आती पढ़ लेते लाइनिंग ऐसे पढ़ लिया ना अब उसको ढूंढ अगर तुझे पढ़ने नहीं आता पैसेज में कहा लिखा है तो यहां देखेगा तो यही कहीं लिखा था यस ये मिला, अरे सर मिला। तो बस जो बच्चा मेरा ऐसा है यहां पर बीस हजार सात सौ में से जिसको डर है कि यार मुझे आंसर नहीं ढूंढना था ये वर्ड पकड़ने का उसके आगे पीछे की दो तीन लाइन लिख देने का जिसको नहीं आता कुछ भी उसके लिए एडी दे रहा हूं बट जिसको पता है कि सिल्वर लाइनिंग बोला है एक्सप्लेन करो बोला है तो यहां से देख कि उसको पचास स्टेप चलने के बाद उसे एक ब्राइट रेड वेट रेल मिला एक लाल मिट्टी का रास्ता मिला I found my silver lining on this trail. और मुझे इस क्योंकि क्योंकि जाएगा भालू वगैरह से तो उससे उसको वो सिल्वर लाइनिंग लग रही थी अब इसको मिला के तू क्या करेगा बेटा जिसको कुछ भी नहीं आता वो क्या करेगा ये वर्ड पकड़ा इसके आगे पीछे लिख दिया बट तू क्या करेगा थोड़ा सा एक्सप्लेन जैसे एक्सप्लेन कैसे करेगा बेटा देखा मैं ये पूरे पूरे पेपर के लिए बता रहा हूं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बता रहा चीजों को समझो कि एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग तो बाई द सिल्वर सिल्वर लाइनिंग लाइनिंग हियर द द बाय राइटर मींस मींस यहां से आप उठा के और खुद अपने शब्द डाल के लिखोगे एंड वाई यानी क्यों आपको लगता है वो लिखोगे तो चलो इससे रिलेटेड यहां पर जो आंसर था देखो क्या लिखा हुआ है द राइटर हैड लॉस्ट हिज वे राइटर जो है जंगल में खो गया था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इस तरह से आप अपने वर्ड्स में लिखोगे एकदम पूरा उठा के मत लिखो अगर आपके पास नहीं आता आपको तो कॉपी करके लिखने बोले मैंने बट आप लिखोगे कि भाई वो जंगल में खो गया था और वो रास्ता खोज रहा था कोई सिविलाइजेशन या विलेज ढूंढ रहा था और वो डर गया था जब उसने ब्राइट रेड सोइल ट्रेल मार्क्स देखा बाइसिकल व्हील उसके ऊपर निशान देखे तो ये जो मार्क्स है उसको लगा कि यहाँ नियर बाय कोई गांव है और ये जो डरा टू द दाइट एंड राइटर दिस वॉज लाइक अ सिल्वर ये जो डिस्टेन था डरा हुआ था और डिस्परेट था मतलब एकदम चाहता था कि चाहिए 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 इसलिए उसको लगा तो ऐसा लिखेगा तुझे दो मिलेगा दोनों चीज चीज चाहिए समझ में आ रहा है है तो ये चीज़ है। अब देख देख अगला जो होता है, देख भाई तू डर मत तेरी पेपर के अस्सी मार्क पूरे पक्के करने अपने को इक्कीस हजार बच्चे महाराष्ट्र के भाई अस्सी मार्क पूरे आने चाहिए अटेम्प पूरा करना है भले नहीं आवे सर इंग्लिश हिंदी मराठी में कौन पूरा देता है हाँ तो तू कोशिश तो कर सकता है ना

उसने अपना दिया। अभी तुझे बोला, तू बता एकदम होता है, को छोड़ के किसी और के साथ अलग है तू अलग बोल रहा है और तू जमीन बोल रहा है वो आसमान बोल रहा है दोनों को मार्क्स दिया जाएगा तुम्हारा रेस्पॉन्स पूछा ना कि तुम्हें कैसा लगता है अब हो सकता है तुम्हें बुरा लगे तुम्हारे दृष्ट का मजा आया हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो भाई मेरे यहां बोला है डिस्क्राइब हाउ यू रिलैक्स एट द एंड ऑफ टायरिंग डे अब एक क्वेश्चन कैसा है कुछ जरूरी नहीं है बेटा इंग्लिश में कुछ जरूरत नहीं है कि तुम एग्जैक्ट लिखो याद करके जाओ कुछ याद नहीं करने का अपना सारा नॉलेज उड़ेल दो पेपर में अब जैसे यहां पूछा है कि तुम कैसे एक थके हुए दिन में पूरी रात

रात को मेरे दोनों बच्चे और बीवी हम चारों मिलकर लूडो खेलते हैं उसके बाद सो जाते हैं खाना खाने भी ना खाने के बाद तो ये मेरी लाइफ है तो ये बेटा तो देख अब यहां पर क्या है कुछ भी लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा जरूरी नहीं कि ये पर्सनल होता है यहां पर देख मैं एक आंसर दे रहा हूं कि एट द एंड ऑफ डे दफर नाइस बुक और वॉच अ गुड फिल्म ऑन टीवी और नेटफ्लिक्स मैं कोई तो एक बुक उठा के पढ़ता हूं रात में या तो मैं टीवी देखता हूँ या नेटफ्लिक्स देखता हूँ इससे मैं रिलैक्स दिस रिलैक्सेस मी कंप्लीटली इफ आई गो टू स्लीप विदाउट दिस प्रिपरेशन आई एम टू टायर्ड एंड डू नॉट गेट गुड स्लीप अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूं और मुझे नींद अच्छी नहीं आती है देखता है टीवी देखता है या तो बुक पढ़ता है कुछ अच्छी चीज लिख सकते हो अपने ऊपर ओके ठीक है है तो इस तरह के ये दो मार्क आपके ऊपर ये हर एक पैसेज में आएगा। में भी आएगा अनसीन भी आएगा तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा अब आती है हमारी आई अब ग्रामर की बारी तो अब ग्रामर भाई डरने का नहीं डरने का नहीं एकदम करने का एकदम एकदम करने का मेरे दोस्त याद लैंग्वेज स्टडी डू एज डायरेक्टेड जैसा बोला वैसा करो कैसा बोला कैसा करने का देख यहां पर मार्क के दो ग्रामर 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 दिए हैं पहले एकदम ध्यान से देखना जैसे कि अभी ग्रामर में क्या क्या देखो के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है पहली बात आपके पेपर में जैसे राइटिंग स्किल का सेक्शन है सोलह मार्क नोवेल का सेक्शन है सोलह मार्क पोयम का सेक्शन है वैसे ग्रामर का कोई सेक्शन नहीं है ग्रामर जो है जैसे सब्जी में नमक की तरह वैसे आपके पेपर में नमक की तरह जो पहला सीन पैसेज है उधर ग्रामर आ जाएगा तीन चार मार्ग का तीन मार्ग का जैसे यहां पे बता रहा हूं तीन चार मार्ग का अनसीन पैसेज में ग्रामर आ जाएगा बस वही जो ग्रामर है वो आएगा तो उसके लिए ग्रामर के लिए क्या करना मैं बताता हूं पहले जो ग्रामर यहां पर कुछ मैंने उठाए वो बताता हूं देखो जैसे कैसे सॉल्व करना एकदम प्यार मोहब्बत से सीखेंगे दोस्तों को बुला लो अभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे बुला ले बोला लाइव का जो मजा है ना वो रिकॉर्डेड में नहीं है लाइव का जो मजा है रिकॉर्डेड में नहीं है ये बोलता है फाउंड द ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल मुझे एक लाल मिट्टी का रास्ता मिला ओके ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल अब ये बोलता है राइट बिगनिंग विथ ए ए से शुरू होने वाला सेंटेंस लिखो अब देखो कभी कभी ना ग्रामर भी ना घुमा के पूछता है अब ये सीधा भी बोल सकता था ओके okay? कुछ लोग होते हैं ना सीधा भी आ, बोल सकते हैं कि अपना नंबर दो ना आपसे कभी पूछते हैं ना चाहिए होगा तो ऐसे व्हाट्सअप से दोस्ती लेकिन नहीं ओ, अरे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा जरा ढूंढना है मिल नहीं रहा है तुम्हारा नंबर चाहिए रहता है ना अच्छा आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तो देखो बेटा ऐसे होता है अब ये था ना एक्चुअल में यह बोलाइड बिगनिंग विनि ए से शुरू करो एक्चुअल में ये चेंज द वॉइस समझ में आ रहा है पढ़ा है ओके समझ में आ, रहा है? Okay, समझ में आ रहा है? लेकिन कैसे देखो पहचानेंगे यहां पर इसकी पहचान क्या है बताता हूं चेंज द वॉइस क्या होता है अभी देखो अगर आपको ग्रामर सीखना है डिटेल में एकदम शॉर्ट में तो एक लेक्चर में तो होगा नहीं परसों एग्जाम में भाई तुम्हारे सर दिनेश सर ने ग्रामर की एक सीरीज बनाई है आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं आधे घंटे में वॉइस खत्म डिग्री खत्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच खत्म सब पूरे एशिया में नेपाल बांग्लादेश इंडिया के अंदर यूपी बिहार झारखंड राजस्थान गुजरात जम्मू कश्मीर तक बांग्लादेश तक समझ में आ रहा है यहाँ पे साउथ तक अपनी प्लेलिस्ट इतनी वायरल हुआ वा, मिलियंस बच्चों ने देखे एंड पूरा लिखा है कि भाई ऐसा इंग्लिश ग्रामर किसी ने पढ़ाया नहीं है इतने कम टाइम में पूरा टॉपिक कवर जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं एडमिन ये। ये जल्दी डालो और ये सारे ग्रह में अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं आधे घंटे में पूरा चेंज द डिग्री आधे घंटे में पूरा चेंज द वाइस तो वो सीखना है आपको मैं वीडियो नीचे दे रहा हूं पूरा फुल प्लेलिस्ट यहां पर मैं जो जो अवेलेबल हो रहा है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं देखो चेंज द वाइज करना है यहां चेंज द में करते क्या है यहां पर देखो अब ब्राइट ए से शुरू करने बोला मतलब ये ए से अब अब्राइट रेड सॉइल ट्रेल ये पहले आ जाएगा ए से शुरू करना है

तो वॉज लगाया अगर ए नहीं होता प्लूरल होता बहुवचन अनेक वचन तो हम वेयर लगाते अब ये पाउंड जो है इसका थर्ड फॉर्म करते हैं तो ये पाउंड फा। सेकेंड फॉर्म में होता है और अगर ये आई है तो उसको मी करते हैं ओके अगर यू होता तो बाय यू होता लड़के का नाम होता तो ही होता लड़की का नाम होता तो शी होता लड़के का नाम होता तो हिम होता और लड़की का नाम होता तो हर होता बाय हिम बाय हर ओके बाय मी आई है तो मी हो गया

आप देखते हो पूरे टाइप कवर हो गया आपने भेजा क्या यस ये साढ़े बारह साढ़े बाईस हजार बच्चों के लिए हमने ओके यहां पर भेज दिया चैट मॉनिटर करो यस एकदम ध्यान से सुनो अब आगे देखो अगला है दूसरा आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ओके चढ़ना हिलॉक पे यानी पहाड़ी पे मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था क्वेश्चन बोला है रीराइट

यहां पर जो वर्ड होता है अपोजिट वर्ड करेंगे देखो जैसे मैं बता रहा हूं इसको कैसे करेंगे देखो। देखो ये है है कि तो no okay, so, यही एक एक अभी यहाँ पर क्या था? एक तरीका होता है जहां अपोजिट करते हैं कि समझ में आ रहा है कि वह पुअर नहीं है तो हम अगर निगेटिव अफर्मेटिव करेंगे तो क्या करेंगे is, तो पुअर का अपोजिट करते रिच तो ये एक निगेटिव से अफर्मेटिव करने का तरीका होता है लेकिन यहां पर चीज अलग है क्या है कि हैड नो अदर वे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मतलब मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था कि मुझे ऐसा करना है आई हैड नो अदर वे मतलब दिस वॉज क्या था टू क्लाइम बिफोर मी आई हैड टू क्लाइम अब आई हैड यहां से उठा लिया द क्लाइम हिलोक बिफोर मी समझ में आ रहा है लेकिन कभी भी निगेटिव करेंगे तो अपोजिट करना पड़ता है बट ये जो क्वेश्चन है अलग तरीके से दिया है कि मेरे पास कोई नहीं कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा मतलब मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था सो so, ये हो गया इस तरह से ओके okay, अभी यहां पर सेंटेंस की बात करेंगे तो अलग अलग सेंटेंस भी होते हैं देखो अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो एक होता है सिंपल सेंटेंस साधारण सेंटेंस जो सिंगल होता है दो सेंटेंस को ज्वाइन किया कंपाउंड सेंटेंस दो सेंटेंस को अजीबो तरीके से ज्वाइन किया तो कॉम्प्लेक्स

यहाँ पर एक मिनट ऑफ द ब्लैंक्स था ये हो गया गया पर पर एक the blanks था given by an NGO, correction है है तो यहाँ पर बोला गया कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो गए क्योंकि उसे जो फंड्स थे वो एनजीओ द्वारा दिए गए तो यहाँ पर क्या आएगा फंड्स इसमें से ढूंढेंगे यानी इन आएगा यानी कि कुछ ही पल में कुछ ही क्षण में जो एनजीओ है उसने उसे पैसे दे दिए इसीलिए उसके सारे प्रॉब्लम एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए तो यहां पर एक था करेक्शन था जरा ओके आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है राज रैन एट टू कैच द ट्रेन राज दौड़ा ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ा राज जो है दौड़ रहा है अब ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है तो हम यहाँ द ब्लैंक में क्या लगाएंगे यहां देखो ये यह फिल इन द ब्लैंक है क्या करूं मैं राज दौड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए टाइम एंड अगेन नहीं To one's hearts नहीं. ये हो सकता है. चीजों को रिलेट करो कि राज दौड तो दौड़ तो मतलब बहुत आना चाहिए, फ्रेंटिक स्पीड आना चाहिए। समझ गया? तो कभी कभी ऐसे जो फिल -in -the -blanks होते हैं न, वो बड़े आसान होते हैं आपको चार ऑप्शन खुद ही दिए और यहाँ पे चार में से दो क्वेश्चन है दोनों में इन द ब्लैंक्स करना है ओके यहाँ पर क्या था इनी जीपी आएगा पहले में तो आपको क्या करना है ये दोनों जो ब्लैं है इसमें इसके लिए चार ऑप्शन है ऑप्शन चार उठाना है दो कहां कौन बैठेगा करेक्ट को बिठा देने का तो इस तरीके से आपका बेटा छह क्वेश्चन यहाँ पर है जो कवर हुआ है एकदम अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू अब देखो उसी तरीके से उसी तरीके से ऑलरेडी हम लोग चौवालीस मिनट से है कोई जाएगा नहीं एकदम ध्यान से देखो एकदम ध्यान से देखो बारह मार्क के लिए बारह मार्क सोलह मार्क तैयार हो गए आपके सोलह मार्क तैयार हुए पहला पैसेज और वही सोलह मार्क यहां भी कैरी पर उड़े जो बारह मार्क मैंने पहले पैसेज में वही तरीका लगाना है देख होता क्या है एक बार की बात है दो लड़के रहते हैं दो लड़के रहते हैं दोनों एकदम स्कॉलर दोनों टैलेंटेड दोनों टैलेंटेड दोनों का सेम मार्क्स आता है लेकिन टीचर को चेक करना था कौन सबसे ज्यादा शार्प है कौन सबसे ज्यादा शार्प है दोनों को जंगल में ले जाता बोलता पेड़ काटना है पेड़ काटने दोनों को एक एक कुलाढ़ता है बोलता है चालू करो पेड़ काटो जो सबसे पहले पेड़ काटेगा वो जीतेगा ओके अब होता क्या देखो यहाँ पर एनवायरमेंट से कुछ रिलेट मत मतलब पुरानी कहानी है पहले जमाने की जब जंगल बहुत होते थे तब की कहानी है एक बंदा जो रहता है वो फटाफट पेड़ काटना चालू करता है और दूसरा बंदा क्या करता है एक पत्थर लेता है बैठ जाता है और उस कुल्हाड़ी को जो है धार करने लगता है ध्यान से सुन मेरे दोस्त कुल्हाड़ी को ध्यान कर रहा है दूसरा खुश हो रहा है लेट होगा इसको मैं फटाफट काटता हूं टीचर टेंशन में भाई ये क्या कर रहे हो राजू वो बोलता है सर कुलाड़ी धार कर रहा हूं अच्छा ठीक है करो एंड ये बंदा दस मिनट से लगा हुआ है। दस मिनट वो बंदा जो है राजू धार कर रहा है और ये कुलाड़ी से काटे जा रहा है बट थोड़ा थोड़ा कट चुका था राजू उठता दस मिनट अपनी कुल्हाड़ी धार करता और उसके पेड़ पे जैसे दन धनाधन दन मारता है दस मिनट के अंदर पेड़ को काट के गिरा देता है एंड जो पहला वाला बंदा था ये अभी आधा भी पेड़ नहीं काट पाया था तो आपको इससे क्या सीख मिलती है कि भाई एकदम लॉजिक से करो शार्पनेस से करो पूरा बहुत ज्यादा मेहनत करने से अच्छा चीजों को समझ लो कि हमें करना क्या है और कैसे करना है एक बार उस पर अपना दिमाग चलाओ कि भाई मेरा पेपर क्या है पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर टू है उसमें क्या क्या आएगा तो मैं क्या करूंगा अपना दिमाग चला तो ये नहीं कि क्वेश्चन देखा धक्का चालू हो गया बटन देखाने नहीं का दबाना चालू ऐसा नहीं करने का क्वेश्चन पहले से ही एनालिसिस करके रखो कि भाई पैसेज है अनसीन है है सीन ये टेंशन नहीं लेना आगे चलते हैं यस क्वेश्चन नंबर अनसीन पैसेज है एकदम ध्यान दे मेरे लाला अरे ओ बारह मार्क का पैसेज है अनसीन है अब ये पैसेज कुछ भी आ सकता है तूने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की थी मेरे दोस्त ये जो है ये ये जो पैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां तरीका बता रहा हूं कि कैसे करना है एक तरीका बता रहा हूं कैसे करना है ओके okay, तो अब ये पैराग्राफ है समझो यहां पर है कि ऑयल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो ऑयल होता है दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स होता है वी डिपेंड ऑन इट एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग ट्रांसपोर्ट एंड जनरेटिंग जनरेशन ऑफ पावर फॉर सेंचुरीज एनिमल एंड एंड वेजिटेबल हैव बीन यूज्ड फॉर कुकिंग एज अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट बहुत सारी बातें जो है ऑयल के बारे में दी है ये जो तेल है ये जो तेल है ऑयल ऑयल के बारे में कि ऑयल जो है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है यस yes, औरंगाबाद से यार थैंक यू एवरीवन देखते रहो कोई निकलो मत एकदम एनर्जी के साथ मैं सारी चीजें बताऊंगा अनसीन पैसेज को कैसे डील करना एक ऐसा पैसेज होता है जो आपने टेक्स्ट बुक के बाहर से है क्वेश्चन नंबर टू ए आएगा तो ऐसे पैसेज है ना बहुत हार्ड नहीं आएंगे इजी रहेंगे और ये पैसेज अनसीन में क्या होता है कि बारह मार्क्स तो आपको क्वेश्चन आने वाले छह क्वेश्चन दो दो मार्के में पैसेज में इसके बाद इसी पैसेज की समरी लिखनी होती है आपको पता है ना इसी पैसेज की समरी लिखनी होती है इसीलिए इस पैसेज को अच्छे से पहले पढ़ो पाँच मिनट लगेगा छह मिनट तो चलेगा अच्छे से पढ़ो समझो जैसे मैं पढ़ा था और पिक्चराइज करो ऑयल तेल समझ में आ रहा है तेल जो है दुनिया का का सबसे एनर्जी का। और तुम्हारी जो मदर टंग है ना उसमें समझने का इफ यू आर मराठी मराठी आए मैं मराठी मधे इंटरप्रिट कर आप मध्य अर्थविवेचन कर तेल अत असत तेल मध्य प्रकार असता तेल इतने उपयोगी पड़ता अपनी मातृभाषा के अंदर क्योंकि हम मदर टंग में ना बहुत अच्छे से समझते हैं कोई कन्नड़ा है कन्नड़ में पढ़ो कोई भोजपुरी है अरे मर्दवा का करत्वा? यार एकदम भोजपुरी में समझ ला कहा गुजराती छो तो गुजराती में पढ़ लो समझ आ रहा? में पढ़ने मतलब माइंड में उसको यस तो इस तरह से करना है एकदम ध्यान से क्यों क्योंकि इसको बाद में क्वेश्चन के आंसर में तो लिखना ही बाद में समरी भी लिखना है अब समरी ना एकदम हाथ का माख है बहुत से बच्चे टेंशन में आते हैं सर मेरे को तो लगता है मैं पास नहीं हूँ अरे कैसे नहीं होगा कैसे नहीं होगा पागल स्कूल में तेरे को जूनियर कॉलेज में बीस में से अठारह के ऊपर सबको दिया है हो सकता है तेरे को उन्नीस या बीस दे दिया है सत्रह तो वो उस लड़के को देते हैं जो कभी स्कूल में या कॉलेज में आता ही नहीं तो भी उसको देते हैं भाई थोड़ा प्रेशर रहता है अगर तुझे अठारह मिल गया तो लाना कितना है ही मार्क्स लाना अस्सी में से कितना लाना है अठारह मार्क्स लाना है और मैं जो आइडिया दिया छत्तीस हो जाएगा पास हो गया पैंतीस कि कसम जाने का कुछ छोड़ेगा नहीं और ये लिखने का कुछ ना कुछ अगर तुझे पैराग्राफ का कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है ना उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको ढूंढ वो वर्ड किधर है वो वर्ड ढूंढ और जिधर भी रिलेटेड लिख दे हाफ मार्क्स तो मिलेगा रिलेटेड रहा तो कुछ ना कुछ रिलेटेड रहा एज इट इज उठा के रख दे और ऐसे हाफ हाफ बूंद बूंद से सागर बनता है और हाफ हाफ मार्क्स से तेरा अठारह मार्क्स बनेगा तू पास हो जाएगा जो डर रहे हैं पास होने से बाकी तो जो टॉपर है बिंदास देखते रहो अब देखिए पैराग्राफ था समझ हाँ बेटा ये पैराग्राफ तुझे पढ़ना है अभी मैं पूरा पढ़ के यहां पर सिखाने वाला नहीं हूँ मेरा मकसद यहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है बार बार बता रहा हूँ चीजों को सिखाना है कि कैसे डील करना है क्वेश्चन को ओके okay? अरे मेरे भाई यूक्रेन पर रशिया ने कर दी चढ़ाई यूक्रेन पर रशिया ने कर दी चढ़ाई और यूक्रेन और रशिया के बीच में हो गई भयंकर लड़ाई अभी तो शुरू कर दे मेरे भाई पढ़ाई अभी तो शुरू कर दे पढ़ाई यस आखिरी दो दिन में जो तूने पूरे दो साल में नहीं किया पूरी ताकत लगा दे दोस्त पूरी ताकत लगा दे कि आखिरी दो दिन में हाँ भाई यार आखिरी दो दिन में तू पूरा कर डालेगा हो जाएगा तेरे से अरे मुकेश सर इतना ज्यादा कंटेंट दे रहे मैं दे रहा हूँ यार कैसे नहीं होगा यार होगा देख चूज टू सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट अब यहां पर देखेगा ऑलरेडी आपको जो एवन होता है ना बड़ा आसान होता है पिछला जो तीन पैसेज था था वहां था, वहां वेब दिया जाला पर है ना ऐसे जाला बना था गोला डब्बा 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 भरना था तो पहला एवन बड़ा आसान होता है ओके ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एकदम ध्यान से देखो अब यहां पर क्या है कि जो थीम इसका है चार ऑप्शन खुद ही दिया है न, ये जो येलो में लिखा है ना ये ऑलरेडी पैसे से उठा के दिया है इन चारों में से ये जो पैसेज है वो किस चीज पर है यार पैसेज पड़ेगा तो समझना तेल के ऊपर था ऑयल के ऊपर था बरबर बर? और पड़ेगा तो समझेगा ऑयल के ऊपर क्या था ऑयल के ऊपर क्या था, था? पड़ेगा ना जैसे कि इधर है द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉन्टिनेंटल जो महाद्वीपीय प्लेट होते हैं पठार उसके ऊपर है द यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल ऑयल के अलग अलग इस्तेमाल के ऊपर है द फॉर्मेशन ऑफ क्रूड मिनरल ऑयल द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ग्रिप्ट तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाई तेल के ऊपर तो था तो आप क्या करोगे इन चारों में से हमें बोला कोई भी चूज करो चूज यानी चुनना टू सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब द द थीम ऑफ एक्सट्रैक्ट इसमें से दो चुनना है तो आपको क्या करना है ये सब लिखना नहीं सीधा ना बेटा ए वन लिखने का ये जो है ये क्वेश्चन नंबर डालने का ए वन और एन एस लिख के आप डायरेक्ट यहां पर देखो ये इसमें से जो भी दो रिलेटेड है आपके पैसे से अब मैंने देखो ये अंतिम पैसे कुछ भी हो सकता है मैंने यहां पर रिलेटेड दो चीजें ली है कौन सी ली है देखो कि द यू अच्छा इसका नंबर भी दूसरा रखा है यह दूसरा नंबर है तो ये दूसरा रखा नंबर भी मत चेंज करो द यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल ये आ गया ठीक है फिर यहां पर तीसरा है द फॉर्मेशन ऑफ क्रूड मिनरल ऑइल्स देखो ये दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्रूड यानी मैंने पहले बताया ना ये ऑयल से रिलेटेड है तो यार कोई अंधा भी रहेगा ना अच्छा अंधा तो नहीं कर पाएगा बट थोड़ा सा ये रहेगा ना वो भी देख लेगा तो रिलेटेड लिखना है तो यार सब कुछ आपके पैराग्राफ में ही रहता है कुछ आपको घर से नहीं लाना है सब कुछ इसमें ही रहेगा सब मिलेगा ओके okay. अभी कंप्लीट द द द फॉलोइंग अभी यहां पर फिल फिल इन इन ब्लैंक्स ब्लैंक्स है <coughs> है जैसे कि क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ यानी जो क्रूड मिनरल ऑयल होता है वो धरती से बाहर कैसे आता है किस चीज तो आप क्या करोगे यही जो वर्डिंग है यहां ढूंढोगे अब ये जो पैराग्राफ है इसमें पढ़ोगे ओके okay. यहां पर देखो लिखा है एकदम ध्यान से प्यार मुफत से क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एस ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ स्मेल फुल स्टॉप जहां तक है वहां तक लिखना कुछ बच्चे बोलते हैं सर कब तक लिखने का ब्रेक कब लगाने का ट्रेन को तो भाई जहां पे फुल स्टॉप दिखे समझ जाने का यहां तक लिखना है अभी देख क्वेश्चन क्या था बेटा कि क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज तो तू क्या करेगा यही चीज पैसेज में ढूंढेगा बेटा कि पैसेज में वही चीज कहां लिखा है क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ दिख रहा है यहां पर लिखा है सर ठीक है तो मतलब एच के बाद वाला आंसर आएगा अथिक ब्राउन और ब्लैक तो यार तुझे यहां पर दिमाग नहीं लगाना बेटा जैसे तू डर रहा देख यहां लिखा है एज ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रांग स्मेल दिख रहा है यहां पर यहां पर ये देख ये अथिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रांग स्मेल तो यही था अथिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रांग स्मेल तू अनसीन पैसेज से भी मत डरना चीजें बहुत आसान होती है यहाँ पर देखेगा एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप है यहां पर चार दिया था उसमें से कोई दो सेलेक्ट करना था और यहाँ पर जैसे एक अभी यही चीज ढूंढना इसमें दिया अभी पूरा पैराग्राफ है अगर आपने पढ़ा है तो आपको तुरंत रिकॉल कर और अतच ले लो अत ले लो कूट तुम्हारा लवकर कर ले तो जहां भी है ओके यहां पर लास्ट में कहीं रहेगा ढूंढना बस यही करना है और ये तुझे यहाँ पर जो भी है वन मार्क का है वो यहां पर भर देगा देख रिक्त स्थान है खाली जगह भर देगा कहां से आता है द द ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन सी यहाँ पर ढूंढेगा ना ये वर्ड मिलेगा जाएगा अभी टाइम जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ तुझे तरीका बता रहा हूँ एक बता है वैसे तो यार ये भी बड़ा इजी था चार में से दो से ले करना था और कंप्लीट द फॉलोइंग मतलब इसमें से ही ढूंढना था तुझे सब उसमें मिलेगा अभी देख डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कि एक क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिप जो होता है ना वो फॉर्म कैसे होता है उसको डिस्क्राइब करो ओके अब देख पर्सनल का का क्वेश्चन होता है जो आप अपनी मर्जी से देते हो हर एक पैटर्न फिक्स है हमेशा जो ए फोर आएगा ना वो तुझे खुद की मर्जी से लिखना है ए फोर पर्सनल पीछे था ना कि आप रात को रिलैक्स कैसे करते हो थकान दूर कैसे करते हो तो बोलता है मैं बुक पढ़ता हूं या तो टीवी देखता हूं तो नेटफ्लिक्स देखता हो ऐसा कुछ करता हूं तो वो आप खुद की मर्जी से लेकर वैसा ए फोर रहेगा तो वो बुक में मत ढूंढते जाओ क्या होता है? तो अब आप देखोगे इस पैसेज के अंदर ये वर्ड्स ढूंढने का जिसको इंग्लिश का आंसर नहीं पता चलता ये जो मेन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फॉर्मेशन ये तीन चीजें ढूंढने का देख यहां पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिख रहा है ओके अभी यहां पर तू ढूंढेगा जहां पर भी फॉर्मेशन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कहीं लिखा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी आंसर तुझे मिलेगा उसको देख ये यहां पर ए थ्री ये दो मार्क का है तो जब भी कोई चीज दो मार्क की रहती है ना वो थोड़ा बड़ा लिखने का देखिए यहाँ पर अभी यहां पर ये यह पैसे ढूंढने का द अर्थ क्रस्ट इज स्प्लिट इन टू इस तरह से अ फ्यू यूज तो यहां पर आपको ढूंढ के लिखना है और यही चीज ढूंढने का अब चौथा पैसेज है पर्सनल रेस्पॉन्स उ कैन वी स्टॉप्रेस एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी चेंज करो चेंज करो चौथा क्वेश्चन है कि ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है उसका एक्सेस हो रहा है एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है उसको कैसे जाए? Okay, समझ में आ रहा है यस yes, बैटरी हमने चेंज किया <coughs> बैटरी सेशन को लाइक कर दो बच्चो बीस हजार देख रहे हैं पंद्रह हजार लाइक है कोई जाएगा नहीं बैटरी चेंज कर दिया हमने बैटरी हमारी हाई है कैमरे की लो हुई थी हमने चेंज कर दी है

समझ में आ रहा है घर पे गैस चालू है खाना पक रहा है उसमें भी सारे पंखे भी चालू रखे हैं खिड़की भी चालू रखी है समझ में आ रहा है तो वहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं तो ये सब चीजें अब ये कोई पैराग्राफ में ढूंढने की जरूरत नहीं आप खुद बताओ कि कोई भी टाइप की जो एनर्जी है कोई भी टाइप की एनर्जी उसको आप कैसे बचा सकते हो उसका एक्सेस यूज करने से कैसे रोक सकते हो ओके okay, ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि यहां पर देखो इसने खुद के मंत्री लिखा है वी कैन स्टॉप द ऑफ एनर्जी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा पेट्रोल डीजल ना यूज हो तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे ना पर्सनल गाड़ी नहीं निकालेंगे कार से एक कार में एक ही जन जा रहे हैं उससे अच्छा बस में जाएंगे ट्रेन में जाएंगे ये कर सकते हैं बहुत सुटेबल पॉइंट है ओके बाय बाई कार पुलिंग यानी कि लिफ्ट लेके जाते हैं जैसे कि शेयरिंग करके जा सकते हैं वी शुड ऑल्सो ग्रो मोर ट्रीज पेड़ लगाना चाहिए बहुत है तो एक तो है कि कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम खुद और दूसरे ट्रीज लगाएंगे तो ट्रीज भी जो है हमारे एनर्जी को बचाने के लिए या एनवायरमेंट को बचाने के लिए लेसर कंजम्शन ऑफ एनर्जी फॉर एयर कंडीशनिंग यानी ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो मौसम ठंडा रहेगा तो ए वगैरह नहीं यूज करना पड़ेगा जैसे आपको पता है कहीं गाँव का रोड रहता है या गाँव का इलाका होता है वहां पे माहौल ठंडा रहता है तो वहां पर लोग ए नहीं यूज करते बट शहर में पेड़ वगैरह कम होने की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो एसी चालू करके लोग घर पे रहते हैं तो ये सब चीजें हैं ओके तो इस तरह से ठीक है अभी देखो फिर से ग्रामर आया ग्रामर आएगा ग्रामर आएगा समझ में आ रहा है और तू करेगा ग्रामर के लिए मैंने लिस्ट दी है उसको तू करेगा बेटा सब कुछ देने वाला हूं तू मेरे साथ बने रहे आज और कल के अंदर पूरी चीजें मैं बताऊंगा तरीका बताऊंगा तेरे को मैं सीधा पेड़ काटना नहीं सिखाऊंगा पेड़ काटने के लिए क्या करना पड़ता है वो बताऊंगा ओके सौ सौ सोनार की एक लोहार की होगी हमारी एकदम ध्यान से देख अभी डू एज डायरेक्टेड क्या बेटा कि ऑयल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ये एक मेन सेंटेंस है कि जो तेल होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ऑयल अब रिराइट इट एज अ अगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग वन मार्क का अभी पीछे भी देख पिछले सीन पैसेज में एक वन मार्क का आया था एक वन मार्क का क्या आया था कि निगेटिव करो निगेटिव को अफर्मेटिव करो तो हमने वहां नॉट हटा के लिखा था कि दिस इज नॉट देर इज नो अदर वे तो दिस इज ओनली द वे था तो यहां पर देख क्या है कि ऑयल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है तो मैंने तरीका क्या बताया था कि ही इज नॉट पुअर तो नॉट हटाएंगे तो पुअर को रिच करते ही इज रिच है ना नॉट हटाएंगे तो पुअर जो था उसका अपोजिट वर्ड करते हैं रिच ही इज रिच ही इज नॉट पुअर नॉट हटाना निगेटिव हटाना है अपरमेटिव करना पुअर रिच वैसे ही देख ऑयल इज वन ऑफ दी वर्ड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तो अब इसका आंसर क्या करेंगे अब हमें इसको निगेटिव करना है हम इसका नॉट लगा देते हैं क्या करेंगे ऑयल इज नॉट जैसे इधर इज और जो नॉट होता है, यह हमेशा हेल्पिंग के बाद लगता है। विल, याद रखना गड़बड़ मत करना ऑयल इज नॉट अब देखो मैंने यहाँ पर और इज के बाद नॉट लगा दिया तो अब नॉट लगाया तो यहाँ पर देखूंगा मैं किसका अपोजिट कर सकता हूँ मेजर सोर्स तो इस मेजर को माइनर कर दिया मेजर मतलब बहुत बड़ा स्रोत माइनर मतलब छोटा स्रोत तो नॉट लगाया तो ये अपोजिट कर दिया बस वन मार्क मिल गए अब इसी तरह से और एक ग्रामर है कि एज दिस मटेरियल हार्डेंस इट बिकम्स सेट्री रॉक जैसे ये चीज कड़क होती है तो ये पत्थर हो जाती है कभी कभी तुमने सीमेंट देखा सीमेंट जो घर बनाने में काम आता है, सीमेंट वो सीमेंट कभी बाहर पर रख दिया जाए उसमें पानी भीग जाए वो कड़क हो जाता है सीमेंट नहीं तो क्या सीमेंट एकदम पतला होता है बारी सीमेंट पानी में भीग गया तो कैसे कड़क होता है वैसे ही क्वेश्चन है कि ये जो मटेरियल है ये कड़क हो जाता है इट बिकम सेडिमेंट्री रॉक चट्टान की तरह हो जाता है अब ये बोलता है मेक इट कंपाउंड सेंटेंस अभी देखो तो मैंने आपको बताया सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं पहला होता है सिंपल सेंटेंस सिंपल यानी एक ही लाइन रहेगी दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस दो लाइन रहेगी बीच में कंजक्शन रहेगा एंड या इस तरह से कुछ रहेगा दो लाइन रहेगी दो लाइन को कोई कंजक्शन जोड़ेगा ओके तीसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो क्या होता है दो लाइन रहेगी बट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड जैसे ही मैं अंदर घुसा वैसे ही घंटी बजी तो ये जो है घुसा और घंटी बजी ये कंपाउंड सेंटेंस होता है मैं अंदर घुसा कहां पे सर अरे कमरे में मैं अंदर कमरे के अंदर घुसा पहली लाइन और घंटी बजी टिंग तो ये दो सेंटेंस है बीच में और है तो ये है। घंटी बजी ये हो गया। अब इसको सिंपल हो गया एक ही लाइन में हो गया तो ये तीन मैंने एग्जांपल हिंदी में इसलिए दिया है कि मैं बता रहा हूं कि आप अपनी भाषा में समझो बाद में यहां पर इंटरप्रूट करो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बच्चों yes. <coughs> सभी बच्चों का बहुत 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 धन्यवाद आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बन गया या। जाओ मत कल थोड़ा देर और जाओ मत पंद्रह बीस पच्चीस मिनट और ओके मैं यहां पर आपको पोयम तक लेके जाता हूँ अप्रिसिएशन तक फिर राइटिंग स्किल और ये कल करेंगे हम लोग और लेकिन कंटेंट आज ही दूंगा सब बताऊंगा बहुत अच्छे से बताऊंगा भाई तेरे पूरे पूरे मार्क्स आना चाहिए अब देख यहां पर अब ये देखना जैसे ही मटेरियल कड़क हुआ वैसे ही वो चट्टान बन गया एज मतलब जैसे ही जो ही कॉमा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमें बोला कंपाउंड सेंटेंस बनाओ यानी दोनों को जोड़ो बट ऐसे जोड़ो के बीच में कंजक्शन रहे तो हम क्या करेंगे हम इसको देखो ऐसे लिख देंगे कि भाई दिस मटेरियल एज हटा देंगे दिस मटेरियल हार्डेंस ये है और कॉमा हटा देंगे एज हटा दिया दिस मटेरियल हार्डेंस एंड जो मैंने भी बताया था और ये मटेरियल हार्ड हो जाता है और फिर इट अभी यहाँ दिस आ गया ना उसी के लिए इट था इट हटा दिया इट बिक, आ, बिकम सेडि, सेडिमेंट्री अगर इट सर, इट तो भी चलेगा मार्क्स मिलेगा ये कॉमा हटाने का कॉम्प्लेक्स की वजह से कॉमा बस इतना ही करना है मैंने शॉर्ट में कोशिश की आपको बताने की इसको ये सारी चीजें मैंने अच्छे से पूरा का पूरा ग्रामर अलग अलग टाइप आधे आधे बीस बीस मिनट के के वीडियो आधे घंटे की वीडियो में पूरा दिया टू एक्स की स्पीड पे उन वीडियो को देख लो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टू एक्स की स्पीड में देखो आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है पूरी ग्रामर और यहां पर ग्रामर का कोई अलग सेक्शन नहीं आप देख रहे हो अनसीन पैसेज में भी यहां पर ये वन मार्क और ये वन मार्क दो मार्क का ग्रामर आ गया फिर यहां पर देखो कि भाई एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते सर एंटोनिम्स सिनोनिम्स समानार्थी विरुद्धार्थी बट एंटोनिम्स मतलब समानार्थी क्या सिनोनिम्स मतलब विरुद्धार्थी मतलब किसका तो याद रखने का सिनोनिम्स सी सी, से समानार्थी समानार्थी मतलब सेम मीनिंग वाले सेम मीनिंग सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग मतलब अपोजिट मीनिंग देखो, मतलब अपोजिट लिखना है अच्छा अभी ये ए सिक्स है यानी पैसेज के ऊपर डिपेंड है तो मैं क्या करूंगा जो पैसेज है उस पैसेज के अंदर से ढूंढ के लिखूंगा अब जैसे कि कुछ चीजें होती है कि हमको पहले से आता है ओके ओके देखो अभी जैसे कि आर्टिफिशियल आपको मालूम है आर्टिफिशियल मतलब नकली होता है तो इसका एंटोनिम्स मतलब अपोजिट लिखना है अपोजिट लिखना है लाइटर यानी हल्का लाइटर तुम बोले कि गैस का चूल्हा लाइटर होता है वो भी हो सकता है लाइटर मतलब कि कोई हल्का वस्तु है तो हैवियर हो सकता है उसका अपोजिट आर्टिफिशियल नकली तो कुछ रियल हो सकता है या ओरिजिनल हो सकता है इस तरीके से तो हमें क्या करना है ये दोनों का एंटोनिम्स है आर्टिफिशियल यहां पर देखो क्रॉस करके लिखना नेचुरल या ओरिजिनल ऐसे हो सकता है बट आपको यहां जो यह हमारा पैसेज है उसमें देखने का कि का कि आर्टिफिशियल अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है अभी लाइटर तो लाइटर की मीनिंग दो तीन हो सकती है अपोजिट बट हम यहाँ देखेंगे है है। पैसेज में जो हो अब इसको क्रॉस करके लिखने का जब भी अपोजिट लिखते हैं डैश करके लिखने का ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें स्लो तो आपको पता है फास्ट होता है स्लो का सिनोनिम्स लिखना स्लो का तो स्लो का फास्ट होता है बट यहां पर इस पैराग्राफ में क्या है वो देखना है तुम फास्ट लिख के आओगे तो यहां ग्रामर वगैरह में क्या होता है फेकोलॉजी नहीं चलता है ग्रामर में जो है वही होना चाहिए मिस्टेक हुई तो मार्क्स नहीं मिलेगा तो यहां स्लो है तो इसको हम स्लगिश यहां से लिख रहे हैं स्लगिश का मतलब भी स्लो होता है ठीक है हर एक का हाफ ऑफ माँ के बच्चा यहां पर एक और है डेड बॉडीज तो डेड बॉडीज के लिए यहां पर एक वर्ड था सी से आप अगर पैरा ग्राफ पढ़ते हो तो कार ये एक वर्ड था जो डेड बॉडीज दर्शाता है तो अगर समझो आपके हाफ तो हाँ, हाँ हाँ। तो आपको चारे मार्क मिल जाएगा एक बड़ी मजे की बात आपको यह बताना चाहूंगा कि समझो आपको सेक्शन टी में आप टू में आपने बड़ी मेहनत करी और आपको साढ़े तेरह मार्क्स आ गया समझो अठारह मार्क का है या सेक्शन वन में सेक्शन uh, टू में समझो साढ़े तेरह है किसी भी सेक्शन में वन टू थ्री फोर तो एक्चुअल में सेक्शन टू के मार्क्स काउंट होते हैं हर एक सेक्शन में राउंड फिगर किया जाएगा हर एक सेक्शन में तो आधे मार्क का ना आपको फायदा मिलने वाला है इसीलिए लेने का मार्क्स का जुगाड़ करने का छोड़ने का नहीं तो ये सेक्शन जो हमारा पहला ही था उसमें जो क्वेश्चन टू ए था उसके अंदर हमने ग्रामर और ये किया अभी ये जो पैराग्राफ था इसके अंदर ही समरी राइटिंग आती है बेटा समरी लिखो तो क्वेश्चन नंबर टू का एक क्या था एक दिया था अनसीन <coughs> पैसेज भी किसके ऊपर था बेटा <coughs> पानी दिया जा अनसीन पैसेज था वो ऑयल के ऊपर कि ऑयल जो है वो बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ऑयल ऐसा होता है ऑयल <coughs> ऐसा <आयता> होता है <coughs> एक सेकेंड देना बेटा यस <coughs> yes. ऑयल के बारे में था मैंने पहले कहा था कि जो अनसीन पैसेज होगा हल्के में ना लेना अनसीन पैसेज देख के फ्लावर समझे क्या फायर फायर ये क्यों क्योंकि ये सिर्फ वहां पे में नहीं बारह मार्क्स तो देगा आगे का भी देखो ये जो समरी राइटिंग है इधर भी हेल्प करने वाला मेरे दोस्त कैसे हेल्प करेगा सर कैसे हेल्प करेगा तो यहां पर आपको एक समरी लिखनी है ओके एक मिनट अभी जो समरी लिखनी है <clears throat> एक मिनट बेटा ये कितने मार्क्स का था यार कितने मार्क्स का था समरी थ्री मार्क्स का ये जो समरी लिखनी है थ्री मार्क्स और ये थ्री मार्क्स पूरे हाथ के थ्री मार्क्स में से दो मार्क्स सबको मिलेगा क्या करने का सर समरी कैसा लिखने का सर समरी सारांश अभी तू मुझे बता बेटा कि तू गया एक मूवी देखने कौन सी मूवी देखा रे कौन सी मूवी देखा जल्दी बता या चार्ट में बताओ कौन सी मूवी देख के आए तुम लोग यार नजदीक में कौन सी मूवी देखी यार सुपर चैट भी आ रहे क्या बात है टीचर को भी सुपर चैट आ रहे यार तुम लोग ने महाराष्ट्र के अंदर क्या कर दिया रहे? मैं तो साहब खाली गेमर्स को देखता था गेमर्स मेहनत करते गेम खेलते सुपर चैट आते भाई भाई भाई, भाई महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कौन सी मूवी देखे बेटा कौन सी मूवी पुष्पा लिख रहे थ्री लिख रहे अच्छा एटी टू देखे क्या एटी टू एटी टू देखे कपिल देव का यस 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 गंगू भाई गंगू भाई अभी अभी रिलीज हुई ना आ, फ्राइडे को रिलीज हुई ना गंगू भाई देखने गए थे अच्छा तो होता क्या है गंगू भाई के डायरेक्टर ने अरे गंगू भाई के डायरेक्टर ने गंगू भाई वही आलिया भट्ट गंगू भाई के डायरेक्टर ने पूरे राइटर को हायर किया राइटर ने गंगू भाई की स्टोरी लिखी और स्टोरी लिखने के बाद बड़ी मेहनत की उस स्टोरी को नॉवेल जैसी स्टोरी होती है बहुत लंबा सीन बताना पड़ता है इतनी मेहनत के बाद उन्होंने कैरेक्टर चुने कैरेक्टर को शूट किया छह महीना एक साल लगा और फिर मूवी रिलीज हुई फ्राइडे को अभी पिछले अरे गंगू भाई देखने गए तुम आलिया भट्ट को कि कैसे उसके पति ने उसको बेचा और कैसे वेश्यावृत्ति में गई गंगू भाई देखे और देख के आए अब तुम्हारा फ्रेंड वहां पूछ रहा है अरे गणिया गंगू भाई मैं तू कैसे साग ना माला अरे काय ना रे तीस तीन तस मूवी होती है हमें साग ना साग ना तुमने आधारे कुछ नहीं रहे उसका हस्बैंड रहता शादी विधि करता है ना उसको बेच देता उधर कमाटीपुरा में और कमाटीपुरा में बेच देता बाद में वो फंस जाती है कम उम्र की लड़की रहती है फिर उसको देह व्यापार करना पड़ता है हाँ रेड लाइट एरिया है धंधा बिंदा करती है फिर उधर की डॉन बन जाती है फिर कोटा बीटा वही चलाती है पिक्चर खत्म होता रहे खत्म खत्म पिक्चर खत्म है बस इतना इतना ही है हाँ खतम अभी वो डायरेक्टर बिचारा उसने एक साल में पिक्चर बनाया तुम तीन घंटा में देख के आया तुम्हारे दोस्त को तीन मिनट में भी बता दिया तो बस यही काम इधर करना मेरे भाई यहाँ पे पावन किंड बोला है पावन किंड बोला यस पावन किंड मूवी सब लोग देखने जाओ यार जबरदस्त मूवी है पावन किंड यार महाराष्ट्र की शान है वो देख गंगाई देख रहे हैं पावन किंड नहीं बता रहा था पहले अभी बता रहे मेरे प्यारे बच्चे है इधर ये तो भाई समझ रहा है कि नहीं लाइक अठारह हजार अरे यार इक्कीस हजार ज्यादा बच्चे देख रहे हैं डेढ़ लाख बच्चे हमारे सेचन में आके गए क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेन तो भाई यही काम करना है तू जो हर बार करता है मूवी देख के आता है तीन घंटे की तीन मिनट में बताता है इधर वही करने का ऑयल का पैराग्राफ था इधर तो सर जल्दी बताओ अरे ये क्या इधर था ये ऑयल इज वन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी ऑयल ये होता है ट्रांसपोर्ट के लिए हीटिंग के लिए काम आता है पावर जनरेशन के लिए काम आता है फॉर सेंचुरीज ओके अभी ये पूरा अनशीन पैसे था इसको देखा पढ़ा ना पहले इसलिए मैं बोला था पहले अच्छे से पड़ेगा पांच सात मिनट लगेगा चलेगा टाइम दो आधा घंटा ज्यादा दिया ना रे तेरे को पिछले साल हम लोग फाइट किया था ना उसका फायदा अभी हो गया

एक सौ बीस वर्ड है एक सौ बीस वर्ड है तुझे वन थर्ड करना पड़ता है उसको यानी चालीस शब्द करना पड़ेगा सर गिनते बैठेंगे क्या अरे गिनने का नहीं रे अंदाज से तेरा एक पेज होता है ना तो कम से कम उसके आधे पेज में खत्म कर दे पूरा एक पेज दो पेज मत लिख समझिए बहुत ये तो पेपर में छोटा छोटा लिखा होता है ना या गैप होते हैं अपने बोर्ड के पेपर में तो पूरे दो तीन पेज में रहेगा तो तेरे हिसाब से ना आधे दस बारह लाइन में समरी लिख वन थर्ड कैसे करेगा बीच के यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन उठा दो तीन लाइन को मिक्स करके एक लाइन बना समझ तो जैसे कि मैंने बताया था मैं जैसे ही अंदर घुसा अंदर कमरे की घंटी बजी अब इसको मैं एक ही लाइन करता हूं मेरे अंदर घुसते ही घंटी बजी तो मैंने कैसे किया है? दो लाइन को मिला के एक लाइन कर दिया दो दो टाइम तीन लाइन जो है वो मिलाने का और एक लाइन बनाने का समरी करने के लिए जो अनवांटेड चीजें हैं वो हटा देने का कि जैसे एक पैराग्राफ दिया है एक पैराग्राफ दिया है ओके आ, पक्या के बारे में अब पक्या है अब अपने घर से कॉलेज जा रहा है पकिया अपने घर से निकला रास्ते पर पहुंच के उसने बस स्टैंड पर इंतजार किया बस का काफी देर तक बस का इंतजार करने के बाद जब उसका डेस्टिनेशन आया कॉलेज से तो वो सीधे उतरा बस रुकी ये हुआ वो हुआ फिर धीरे से वो कॉलेज के गेट में गया वॉचमैन उसे रुकाया बोला आई कार्ड दो आई कार्ड उसने दिखाया फिर अंदर गया तो इस तरह से समझो कोई पैराग्राफ एग्जाम्पल बता रहा हूं अब तुम्हें उसका समरी लिखना है तो कैसे लिखोगे पकिया सुबह उठते ही तैयार होके बस पकड़ के कॉलेज पहुंचा कॉलेज में वॉचमैन को आई कार्ड दिखा के वो अंदर गया और लेक्चर में बैठ के पढ़ाई करने लगा मतलब समझे मैंने क्या किया मैंने ये जो अनवांटेड चीजें थी वो सारी निकाल दिए चार पांच लाइन का जो मीनिंग था वो एक लाइन में करके ये होता है समरी तो यही काम आपको करना है जो पैराग्राफ आपने पढ़ा था चलो यहां पर मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है अभी देखो यहां पर ये जो मैं यहां पर एक समरी में दे रहा हूं मिनरल ऑयल और उस समरी को एक नाम देने का टाइटल देने का समझ में आ रहा है उस ओके, उस ओके समरी को एक टाइटल बच्चे बड़े हो गए बड़े तेज हो रहे हो बड़े तेज हो रहे हो बहुत रहे हो, रहे हो। <laughs> चलो ठीक है आ जाओ एकदम एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे कोई बोर भी नहीं होगा टेंशन मतलब अभी बहुत अच्छे अच्छे चीजें आने वाले हैं ओके लड़की बोला रे मैं तू क्या समझ रहा है यही होता है गलत इंटरप्रिटेशन करप्टेड माइंड है तेरा मैं लड़की बोला नालायक ओके गाली नहीं दिया रे लड़की तुम लोग भी ना बहुत करप्टेड माइंड हो ओके एकदम एकदम ध्यान दो तो आपको जो भी समरी लिखोगे उसका टाइटल भी लिखने का जैसे कि यहां पर मिनरल ऑयल है ऐसे लिख सकते इट्स फॉर्मेशन एंड यूजेस

ओके okay. पहले जो है ये वोकेबलरी होती थी नॉन वोकेब्लरी मतलब कैसे होता है कि पैराग्राफ पैरा दिया होता था और उससे ना एक ग्राफ ऐसे डिजाइन बनानी होती थी उसको चार्ट फॉर्म में लिखना होता था जैसे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर उसको बोलते हैं कि कोई एक ट्री डाइट पैराग्राफ है की वहां पे कुछ लिखता है गांधी जी गांधी जी के दो बच्चे उनके बच्चे राजीव गांधी ये गांधी वो गांधी उनकी शादी हुई सोनिया गांधी से सोनिया गांधी के दो बच्चे राहुल गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी की वाड्रा से शादी हुई राहुल गांधी अभी इंतजार में तो ऐसे समझो एक पैराग्राफ में पूरा लिखा है समझ रहा है तो हम उसको ट्री डायग्राम बनाते थे समझ तो में रहा है मोहनदास करमचंद गांधी उसके उसके कितने बच्चे उसकी उसके बच्चे उसकी शादी ये ये होता था तो ये होता था था ट्री तो इंटर इन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कि आपको ये पैराग्राफ है उसको कैसे आप आ, चार्ट बना रहे हो अब हो सकता है कि वो ट्री डायग्राम हो हो सकता है कोई ऐसे सर्कल वगैरह बना रहे हो आप है ना बाइफरकेट कर रहे इसके कितने टाइप ऐसे सर्कल बना के क्या तो उसी को आप माइंड मैपिंग बोलते हैं कि आपको कोई एक पैराग्राफ है या कोई हो सकता है कि ऐसे माइंड मैपिंग के लिए कोई चार्ट दिया और उसको भरना है हो सकता है कोई पैराग्राफ में डिटेल है और उसको माइंड मैपिंग करना है थोड़ा देख लो कैसे करना है ओके okay. अब देखो यहां पर एक दिया हुआ है कि मेडिकल टीम हो सकता है आपको पैराग्राफ दिया हो और उसके बाद इस तरह से केक करने दिया हो और बोला जाएगा भरो या हो सकता है बिना पैराग्राफ के ये दे दिया अब आपको ये भरना है जैसे कि यहां पर लिखा मेडिकल टीम दो दिया है मतलब ये बॉक्स में आप भरोगे कि मेडिकल टीम में कौन हो सकता है सर मेडिकल टीम कौन हो सकता है दवा खाने में जा मेडिकल मतलब दवा खाना कोई मेडिकल की पढ़ाई करता मतलब डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो अब वहां पर कौन कौन हो सकता है सब सब बच्चे अच्छा सब... गांधी जी से कोई रिश्ता अभी भी गांधी जी पे हो गया मैं आगे निकल आया ए देखो ऐसा करोगे मैं यहां से आलू डालूंगा वहां से सोना निकलेगा वापस आओ वापस आओ गांधी जी की फैमिली पे अभी भी हो चलो इधर आप तो यहां पर माइंड मैपिंग होती है समझो इस तरह का चार्ट दिया है आप सेम चार्ट बनाएंगे अपनी बुक में और इसको भर देंगे क्या करेंगे भर देंगे हो सकता है चार्ट नहीं भी दिया हो अगर पैराग्राफ दिया है तो आप ऐसा चार्ट बना देंगे अब जरूरी नहीं कि ऐसे कर आप गोल गोल भी कर सकते हो समझ में आ रहा है ऐसे भी कर सकते हो ऐसे कर सकते हो आपके ऊपर है आप कैसे भी बना चलेगा अगर ऐसा चार्ट बना के दिया है तो एज इट इज चार्ट बनाना उसको सिर्फ भर देना चार्ट नहीं बना के दिया है तो आप अपनी मर्जी से चार्ट बनाना तो ये बड़ी चीज आसान चीजें होती है यहां पर जो है आप जो डेटा है पैराग्राफ से या यहां से उठा लेते हैं अब समझो यहां क्या करना है चलो इसकी बात करते हैं कि भाई एक मेडिकल टीम है तो मेडिकल टीम में कौन हो सकता है डॉक्टर डॉक्टर और और नर्स नर्स बड़े खुश रहे हो ओके कंपाउंडर okay, भी लिख सकते हो समझ में आ रहा है यह मेडिकल टीम होती है अब यहां पर दिया है कि फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक ये लोग करते हैं कि पैंडेमिक के महामारी से कौन लड़ता है मेडिकल टीम कौन होते हैं ये लिख दिया अब बोलता है एनफोर्समेंट पर्सनल जो एनफोर्समेंट करने वाले होते हैं प्रिकॉशन सावधानी क्या बरतने की तो एनफोर्समेंट करने वाले लोग कौन होते हैं तो एक होता है पुलिस वाला ओके यानी कि महामारी में अगर कोई मास्क पहना नहीं और रोड पे निकल आया बोले बाहर जाना मना है तो वहीं डंडे लेके मारते हैं देखा था ना कोरोना में तो कौन कौन है एनफोर्समेंट पर्सन में कि ओके यहां पर पुलिस मैन है और गवर्नमेंट ऑफिशियल है कुछ गवर्नमेंट वाले मास्क नहीं पहना फाइन मारो इसको दो सौ रुपए का तो ये हो गया अब

समझ में आ रहा है यहां पर आप गवर्नमेंट की जगह म्यूनिसपल ऑफिसर लिख दिए तो भी चलेगा यस तो ये होता है माइंड मैप करना आपको अगर इस तरह का कोई चार्ट आता है तो उसे रिलेटेड भरना होगा अगर कोई पैराग्राफ आता है तो उसमें से चीजें निकाल के चार्ट में भरना होगा या तो आप कैसे भी जरूरी नहीं कि ऐसे बॉक्स ही बनाओ सर्कल भी बना सकते हो ओके okay, नौ बज गए हैं नौ बज गए हैं लेकिन हम लगातार पढ़े जा रहे हैं और आप भी लगातार बने भाई जाएगा नहीं कोई एक बार की बात है एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल बोले क्या बोले पापा को बुला के ला बच्चा बोला हाँ बापचा के पापा आए प्रिंसिपल बोले तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल से निकाल रहे हैं बोले कहां है अरे इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है हाँ, तो क्या नहीं पढ़ा साहब अरे ये इसको फुटूरे पढ़ता है फुटूरे फुटुरे तो क्या हुआ साहब निकाल कहा रहे स्कूल से अरे ये फ्यूचर को फुटुरे पढ़ता है। नेचर को नटुरे पढ़ता है ये नेचर को क्या पढ़ता है नटुरे ओके प्रिंसिपल बताया कि वो नेचर को नटूरे पड़ता है इसको हम नहीं रखेंगे इसको इंग्लिश नहीं आती अब पापा भी परेशान बाद में उसको प्रिंसिपल को समझ में आया कि उसके पापा ने उसको ऐसे समझाया था एन ए न यू टू और पापा खुद बोल रहा है मेरे बच्चे को मत निकालिए नहीं तो उसके पुटूरे का क्या होगा अब प्रिंसिपल समझ जाता यार पापा की वजह से बच्चा ऐसा है तो भाई आपको कभी कभी देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते पढ़ते हैं एन ए टी ओ एन ए एल नटीओ नटीओनल क्या है दिस इज नेशनल एक बच्चा तो पूछता है सर T टी डू टीओ टू O डू तो जियो गू क्यों नहीं अब मैं परेशान इंग्लिश भी पढ़ाता था, था पहले में तो टीओ टू डीओ डू जियो गू क्यों नहीं मतलब जियो गो होता है बेटा नहीं नहीं तुम बताओ ऐसा कैसा इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज कभी भी कुछ भी हो जाता है तो भाई टेंशन लेने का नहीं तो ये बच्चे होते हैं मन के बड़े सच्चे होते हैं जो मन में आता पूछ लेते हैं बट कभी कभी उसका मतलब जो है गलत हो जाता है ठीक है चलो आगे जाते हैं अब यहाँ पर हमारी बारी आ गई है यस अब पोयम की पोयम पोयम की बात करते हैं। ओके पोयम की बात करते भाई देख कभी कभी बच्चे बड़े मासूम होते रहे कुछ भी पूछ देते हैं अब मैं भी क्या बताऊं इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज इंग्लिश तो पी गई है मेरी खोपड़ी के खून को मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजनून को ऐसे रूल्स होते हैं कि अपन समझ ही नहीं पाते कभी कुछ करना पड़ता है कभी कुछ करना पड़ता है ओके okay, तो यहाँ पर अब तीसरे पे आ गए देख आपको पैसेज मैंने सिखा दिया है पैसेज जो है आपके चौतीस मार्क तैयारी करवा दी है मैंने कि कुछ भी पैसेज आया भाई कुछ भी पैसेज आया देख अगर कोरोना का कोई भी वायरस आया अब तू लड़ सकता है कोरोना का पहला वेव दूसरा वेव तीसरा वेव अपना रूप बदला तो तू वो डोज लेके रख कि क्या करना है बस कोई भी पैसेज आया कोई भी पैसेज आया कोई भी टॉपिक आया सीन आया, आया तरीका मैंने बताया वो तरीका फॉलो करना अपना दिमाग चलाना लिख के जाना मोह कसम कुछ छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना है सब लिख के आएगा करना चौंतीस में से आराम से पच्चीस तीस के ऊपर मार्क्स आना चाहिए ठीक है अब आगे देख बेटा अब क्वेश्चन नंबर थ्री यहां से तेरा जो सेक्शन टू चालू होता है अगर समझ सेक्शन वन में तेरे चौतीस मार्क में से सेक्शन वन में से चौतीस मार्क में से तूने अगर बेटा साढ़े सत्ताइस ला दिया तो मैंने बताया था आधे मार्क का फायदा होता है ये राउंड फिगर होके अट्ठावी हो जाएगा समझ में आ रहा है ये बड़ी मजेदार चीज है अब हम लोग कंप्रेंसिव और अप्रिसिएशन करने के लिए पोयम पे आते हैं पोयम आपकी बुक में से दो पोयम डिलीट है याद रखना उस पोयम का अप्रिसिएशन नहीं करना है अप्रिसिएशन क्या होता है क्या होता है पहले वो बताऊंगा पहले पोयम पोयम पे आते हैं लोग। तो ये जो पोयम है या पोइट्री है आपके यहाँ देखो बोट वाली है पर मैंने बोटमैन रो एंड कट द बेल फ्रॉम इंच पहला बोला जाता है पोइट्री का ये दूसरा स्टैंजा बोला जाता है स्टैंजा स्टैंजा क्या होती है कि यहां पर ये जो पैराग्राफ जैसे

और अप्रिसिएशन के भी मार्क्स तो आपको जो भी छह पोयम है उसके लिए आप तैयारी करना बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम के पहले हम क्या पढ़े इतने सारे चैप्टर तो चैप्टर्स को नहीं भी पढ़ेगा ना चलेगा पोयम को अच्छे से मीनिंग समझ लेना पोयम की मीनिंग बहुत अच्छे से समझना क्योंकि पैसेज में क्या होता है स्टेटमेंट लिखे होते हैं पैसेज में तो हम क्वेश्चन का आंसर वहां से उठा के कॉपी कर सकते हैं बट पोयम में जो लाइंस होती है ना ये बोलना कुछ चाहता है ये बोलना कुछ चाहता है मीनिंग कुछ अलग होती है अब जैसे कि आ, हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो सिंपल पोएम्स होते हैं तो हम पढ़ के ही समझ जाते हैं ओके हम पढ़ के ही समझ जाते हैं लेकिन कुछ जो ये अभी जो आपका बारहवीं का जो इंग्लिश है ना बेटा आपको बताता हूँ पहले बारहवीं की इंग्लिश बड़ी अच्छी होती थी इंडियन इंग्लिश होती थी लेकिन अभी ना पूरे दसवीं और बारहवीं की जो इंग्लिश है इस इंग्लिश को एकदम यूनिवर्सल इंग्लिश कर दिया पूरे वर्ल्ड का जैसे कि नॉवल वाला सेक्शन वहां पर आप देखोगे कि सारा का सारा यूरोप का इंग्लैंड का वहां के सारे राइटर्स के नाम लिखे हैं तो दो हजार साल पहले कौन सा राइटर था उसने कौन सा नॉवल लिखा कैसे लिखा यानी कि और इसके जो भी चैप्टर आपके हैं ना यहाँ पर जो इंडिया में चल रहे हैं ना वो पूरे दुनिया में दूसरे देशों में भी वही चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के हमारी बुक हो गई है जो कंटेंट इंग्लिश का है तो ये बहुत हाई लेवल है तो ऐसे में जो पोयम्स है पहले बड़े सिंपल्स होते थे सात आठ साल पहले तक धीरे धीरे पिछले चार पांच साल में जब सिलेबस चेंज हुआ कॉम्प्लिकेटेड कर लिख दोगे तो नहीं चलेगा पोयम है उस तो पोयम को अपने गाइड से या ट्वेंटी वन से या जो भी आपके पास हो या तो मैं यहां पर पीडीएफ दे रहा हूं देखो दो चीजें बताना चाहता हूं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल यहां पर प्रमोद सर हमारे हैं फिजिक्स मुकेश चैनल का नाम फिजिक्स है क्योंकि मुकेश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके प्रमोद सर हैं उस चैनल पर उन्होंने यार बहुत बेहतरीन ढंग से हर एक चीज को बहुत डिटेल में बताया उसकी प्लेलिस्ट एडमिन नीचे लगाया आपने डिटेल में मैंने प्लेलिस्ट लगाई है इस डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज नोवल हो या माइंड मैपिंग हो एप्रिसिएशन हो सब और एक हमारे सर है आशीष सर आशीष सर का खुद का उनका ब्लॉग है अभी आप ब्लॉगिंग कैसे लिखना वो भी देखेंगे उन्होंने सारे पीडीएफ जो है दे डाले हैं ये भी लिंक लगाया एडमिन तो एक आशीष सर का ब्लॉग का ब्लॉग का लिंक हमने दिया वहां पर आपको ये सारे के सारे जो एप्रिसिएशन है उसकी पीडीएफ है आप सिर्फ उतना पढ़ लो समझ में आ रहा है एप्रिसिएशन की और इस, जो यहाँ पर प्रमोद सर है देखो अभी हमारे पास दो दिन है मैं जो आया हूँ यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं करा पाऊंगा टाइम नहीं है मेरे पास तो ये जो कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाइए जरूर इस पर करना तो यहां पर पोयम के लिए मेरा सजेशन क्या है कि अगर आपको कोई पोयम आता है तो पोयम की तैयारी करना है पोयम के मार्क्स जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर पोयम में क्वेश्चन कहते देखो ए वन दो मार्क्स का दो मार्क में तीन क्वेश्चन है एक दो तीन इसमें भी क्या होता है कि जो तीन क्वेश्चन है इसमें ये पहला क्वेश्चन आधे मार्क का है दूसरा क्वेश्चन आधे मार्क और तीसरा क्वेश्चन वन मार्क क्योंकि यह है दो ही मार्ग का तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा आधे मार्क के लिए कौन सा वन तो नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन पढ़ के भी आप समझ सकते जैसे कि कि ये पहला फिल इन द द ब्लैंक्स है पायरेट्स इज मेन टू क्या करने बोला पायरट ने फिल इन द तो आधे मार्क ही देन ओवर एंड इस तरह से तो कुछ बड़ा रहेगा तो एक मार्क नहीं तो आधा तो ये दो मार्क होता है तो ये क्या करोगे एग्जैक्ट आपको पोयम में मिलेगा ऐसा नहीं है ये पोयम सीन है तो सारे पोएम की जो मीनिंग आपको अपने डाइजेस्ट वगैरह से या आपने नोट्स बनाया होगा कोई पीडीएफ आपके पास होगी या डिस्क्रिप्शन में सारे पोयम का लिंक भी है उसको एक्सप्लेनेशन समझ लो कि हर एक पॉइंट पोएम में पोएट कहना क्या चाहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझ लो उससे आपका एप्रिसिएशन भी तैयार होगा आपको हर एक पोयम के नाम याद रखने टाइटल और हर एक पोयम के पोएट का नाम याद रखना है पोएट poet या poetess, कि ये पोयम किसने लिखा है एप्रिसिएशन लिखते समय हम हमेशा लिखते हैं कि ये जो पोयम है ये कौन से पोयम से ली गई उसका टाइटल और इस पोयम को लिखने वाले कौन है ये तो लिखना ही है भाई आधा एक नंबर वहीं मिल जाता है तो इसीलिए ये जो डिलीटेड पोएम छोड़ के जो भी पोएम तुम्हारी बुक में उसकी पीडीएफ मैंने दी है उसका मीनिंग अच्छे से समझना और

रोवर्स फ्यूचर टू दर्ड स्टैंडर ऑफ द एक्सट्रैक्ट फाइन दिग्निफिकेंट लाइन फ्रॉम दिव रीजन फॉर योर एंसर यानी कि यह जो दूसरा क्वेश्चन है दो मार्क के लिए लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि पोयट जो है कुछ हिंट दे रहा है रीडर को पोयट जो है पढ़ने वालों को कुछ हिंट दे रहा है और वो कहां पर है थर्ड स्टैंडा में तीसरी स्टैंडा में कुछ हिंट दिया उसने रोवर्स फ्यूचर के बारे में तो वो जो है उसका सिग्निफिकेंट यानी विशेषता बताओ जो सिग्निफिकेंट लाइन फाइन द सिग्निफिकेंट लाइन्स वो लाइन बताओ कि कौन सी लाइन सिग्निफिकेंट है फ्रॉम दी एक्सट्रैक्ट यानी जो पोयम की स्टैंडा दी है उसमें से एंड गिव रीजन फॉर योर एंसर ये दो का जो थर्ड स्टैंडा है आपका यहाँ पर मैंने बताया ना स्टैंडा होते हैं पहला दूसरा ये जो तीसरा स्टैंडा है राल्फ द रोवर के बारे में तो पोयम ने पोयट ने किस चीज के बारे में हिंट दिया है वो आपको लाइंस बतानी इसमें से जो दो तीन लाइन है वो लाइन के बारे में और रीजन बताना है. तो आपका दो मार्क्स यहां पर पक्का होता है अभी एक तीसरा देखो यहां पर पोएम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपको दिखेगा ए वन ए है और एक ए है देखो यहां पर और ए है पांच है ठीक है वैसे पैसेज में छह थे यहां पांच है क्योंकि दस मार्क का ही है ये कितने मार्क का है दस मार्क का है अभी देखो ये ए पर्सनल रेस्पॉन्स वापस आ गया कि आपको क्या लगता है यहां पर देखो आपको इतना आसान नहीं होगा कि क्वेश्चन का आंसर आपने पोएम में से ढूंढ लिया तो एकदम एकदम ध्यान से देखना बेटा यहां पर पर्सनल रेस्पॉन्स गिव योर ओपिनियन ऑफ द फॉलोइंग लाइन एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस क्या है देखो यहां पर कोट सर राल द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द अबाउट ऑफ एबर ब्रथ यानी कि ये पोयम में से कोई दो लाइन उठा लिए बोला आपको इससे क्या समझता लिखो तो आपको क्या समझता है पोयम में से आप अपना क्या मतलब निकालोगे पैसेज में तो मैंने बोला कि भाई रात को मैं नेटफ्लिक्स देखता ये करता पोयम में थोड़ी कुछ करोगे पोयम में रिलेटेड ही लिखना पड़ेगा तो इसीलिए मैंने बोला पोयम से मजाक नहीं पोयम से मजाक नहीं जैसे साइंस में लॉ वगैरह को हम खुद से नहीं लिख सकते न्यूटन चाचा ने जो लॉ बोला वो स्टेटमेंट एज इट इज लिखना पड़ता है वैसे यहाँ भी जो है पोयम से मजाक नहीं इसकी जो मीनिंग है उसको आप पढ़े हो उसमें खुद के ओन वर्ड डाल के लिखो दो मार्क्स मिलेगा ऐसे देखो यहां पर एक पैराग्राफ में दिखा रहा हूँ ऐसे और जरूरी नहीं कि जैसा बुक में दिया वैसे ही करना समझ में आ रहा है आप खुद के ओन वर्ड में भी कर सकते हो लेकिन जैसा पोयम में वही लिखना लिखना है मीनिंग है तो इसके लिए भाई पोयम के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है कोई एकदम हल्के में मत ले पोयम को अब सबसे बड़ी बात होती है ए फोर पोइटिक डिवाइस यहाँ ग्रामर आता है ग्रामर में पोयम में हमेशा फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच क्या आता है अलंकार अलंकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत से बच्चों को फिगर ऑफ पीछे नहीं समझ में आता समझ रहा है कितने सारे होते हैं तो यार अगर तूने ये नहीं सीखा तो मैं इस लेक्चर में तो पूरा बताने नहीं जाऊंगा समझ है उसके लिए एक डिटेल सेशन देखना जरूरी तो उसके लिए नीचे लिंक मैंने दिया है फिगर ऑफ स्पीच हमारे आशीष सर ने बहुत अच्छे से कराया वो जरूर देखना आशीष सर का फिगर ऑफ स्पीच आपको सारे टाइप्स का पीडीएफ दिया हमने पीडीएफ पढ़ेगा समझ जाएगा ज्यादा देखना है, नाम याद रख ओके नाम याद रख अभी शॉर्ट में बोलना चाहूंगा जैसे कि एलिट्रेशन होता है कि जैसे कोई एक लेटर रिपीट होता है तो एलिट्रेशन होता है बा, बा बा ब्लैक शिप तो बी बी रिपीट हो रहा है रिपीटेशन कोई वर्ड रिपीट हो रहा है ओके जौनी, जौनी, यस पापा अब जॉनी बार है रिपीटेशन है तो सिमिली और मेटाफोर सिमिली क्या होता है और मेटाफोर दोनों एक ही जैसे होते हैं जब किसी दो चीज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है जैसे कि तुम तो पूरे के पूरे के बैल हो तो तुमको बैल से कंपेयर किया तुम तो पूरे बैल के जैसे हो यानी जहां पर लाइक और एज वर्ड होता है यू आर लाइक ऑक्स बैल के जैसे हो और एक बोला यू आर ऑक्स याद तो ना कोई तो लड़की होती लड़के का चल कुत्ता समझ आ रहा है सीधा लड़के को कुत्ता ही बोल दिया मतलब तू कुत्ता ही है आजकल तो यही बोलते हैं कोई बोलेगा तू कुत्ते के जैसा है या तो कोई ऐसे बोलेगा लोहे को लोहा काटता है सोने को सोना काटता है इसलिए तुझे, तुझे कुत्ता काटता है देखिए तू कुत्ता है तो यार कोई भी दो लोगों को जब कंपेयर करते हैं तो वो एक ही होता है मेटाफोर होता है अगर लाइक या एज है या नहीं है तो उसके डिपेंड पे सिमिली या मेटाफोर होता है कभी-कभी होता है ओनोमेटोपोइया ये ओनोमेटोपोइया क्या होता है जब किसी वर्ड में से साउंड आते हैं कुछ साउंड आ रहा है घंटी बजी बेल रैंग ट्रिंग 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 ओनोमेटोपोइया ऐसे समझ जाता है कभी कभी क्या होता है कि <coughs> किसी को ना मतलब व्यक्ति के बारे में मतलब पर्सोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं आल्सो हैज है तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है यानी कि दीवार को पागल होगा दीवाल को कान होता है इंसानों को कान होता है तुम बोले दीवाल को कान होता है तो दीवाल को ह्यूमन क्वालिटी दिया सो इट विल बी पर्सोनिफिकेशन समझ में आ रहा है तो ये सब चीजें होती है ये सब चीजें होती है इसको आपको समझना है और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पूरा पीडीएफ दिया हुआ है आशीष सर का जो एक लिंक है ब्लॉग का ब्लॉग का वहां पर सारी पीडीएफ मिलेंगी एप्रिसिएशन हो गया समरी हो गया और ग्रामर हो गया और फिगर ऑफ स्पीच हो गया तो आपको वहां से करना चलो यहां देखते हैं यह ये गर्गलिंग साउंड Is... गर्गलिंग साउंड आपको पता है गर्गल करते हो ऐसे करते हो कभी गर्गलिंग साउंड गर्गलिंग मतलब नमक पानी का गरारा कर रहा आ, वो कहते हैं गर्गल अभी इसमें आवाज निकल रहा है आवाज निकल रहा है जैसे कि लायन रोज शेर गुर्रा आवाज आ रही है ना गुर्राने की डॉग बारकिंग कुत्ता आवाज आ रहा ना आवाज जब भी कभी साउंड तो क्या था मैंने क्या बताया? पोइया मतलब क्या अभी आधे लोग तो बेहोश हो गए सर, ये सब क्या बता रहे पर देख बेटा इसका क्या आएगा रीजन भी लिखने का देख और गर्गलिंग साउंड ऑफ पीच इज ऑन पोइया द अब यह क्यों है क्योंकि जो गर्गलिंग है वो रिसेंबल द मीनिंग ऑफ द साउंड गर्गलिंग जो है वो आवाज निकाल रहा है क्या निकाल रहा है आवाज निकाल रहा है द द मीनिंग द साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंकिंग एंड बबल्स राइजिंग एंड बस्टिंग यानी कुछ बुलबुले जो है वो वो उड़ रहे ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो तो ये इस तरह से होते हैं यहां पर क्या होता है इसको अलंकार बोलते हैं हिंदी मराठी में समझ में आ रहा है तो वो चीजों को आपको समझना है कैसे ये किया हुआ है अभी दूसरा जो क्वेश्चन है यहां पर एंड टू द इन दिन रॉक देगू अब यहां पर एक पोयम की लाइन रहेगी पोयम से उठाया अब यहां पर देखो क्या कोई दो चीज को कंपेयर किया है तो सिमिली मेटाफोर हो सकता था तो ऐसा तो कुछ है नहीं पत्थर है रॉक है वो लोग जा रहे हैं एंड है क्या कोई चीज रिपीट हो रही है देखो एलिट्रेशन और रिपीटेशन बार बार आता है एलिट्रेशन ओके यहां पर लड़का दिख रहा है आप इंग्लिश भी पढ़ा लेते हो अरे बाप रे भाई दो घंटे होने आए <laughs> देखो यहाँ पर यहां पर एंड

पूरा घर कम पड़ता है दूसरा बोलता है मेरे पप्पा के पास है ना बहुत बहुत बड़ा घर है उसमें हम लोग गार्डन करके सर तीसरा बोलता है मेरे पप्पा बाल ही नहीं है उनके ऊपर तेल लगा के हम सरकुंडी कुंडी खेलते हैं तो ये क्या है ये ज्यादा बोला ये पड़ा चला के बोला हे भाई फेंक रहा है तू इसको भी एक बोलते ना हम हाइपर बोले क्या बोलते हाइपर बोले ज्यादा बोले तो यार ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं जितना बोलो उतना कम है तो हर एक चीज का पीछ होता है तो वो आपको पढ़ना है अब यहां पर है एंड टू अब यहां पर कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कभी, -कभी जम्बल हो गए पहले होना चाहिए था ओके आ, दे गो टू दॉक ऐसा होना चाहिए तो यहां पर, पर भी एक टाइप होता है इस तरह से तो आपको क्या करना है इसके लिए बेटा जो भी टाइप्स है उसको पढ़ना इनवर्जन समझ रहा इन्वर्जन क्यों है क्योंकि यहाँ पर, पर वर्ड्स को आगे पीछे जंबल कर दिया है क्यों किया ताकि वो पोएटिंग मतलब थोड़ा सा अपने पोयम की लाइंस को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पर जुबिन नौटियाल जो श्री श्री जुबिन नौटियाल जी हैं जब वो संगीत देते हैं अपने संगीत के बोल को जैसे रखते हैं कैसे रखते हैं ये सोच के दिल मेरा जोरो से धड़कता है किसी और के छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है हम डूब गए जाना आंखों के पानी में जाने वो कौन से लोग थे जिनको किनारे मिले ओके okay, आगे नहीं बोलूंगा बच्चे गम में डूब जाएंगे एक्स की याद आएगी ठीक है तो यहां पर जो जुबीन नौटियाल श्री श्री कवि जुबीन नोटियाल जी उन्होंने शब्दों को सीधे भाषा में लिखा है कि ये सोच के दिल घबराता है किसी और के छत पे मेरा चांद क्यों चमकता है और हम पानी में डूब गए लेकिन हमेशा से जो पोएम्स या सॉन्ग्स होते हैं पोइटिक डिवाइसेस होती हैं वो बिल्कुल इतनी आसान भाषा में नहीं होती कभी कभी बहुत ही अतरंगी होती है समझ आ रहा है ओके जैसे कबीर के दोहे हो गए ओके या तुलसीदास की चौपाई हो गई या फिर यहाँ पर इंटरनेशनल कोई पोएम्स हो गए ऐसा लिखते समझता ही नहीं भाई कहना क्या चाहते हो समझ आ रहा है ओके जैसे कि टोनी कक्कर के गाने

तो राइम स्कीम क्या होता है ये बता के रखता हूं ओके okay, एकदम ध्यान से अगर कोई आपके पास पोयम है ओके okay, एकदम पोयम है एकदम ध्यान से सुनना बेटा होप सो यू आर बिल्कुल बैटरी गई क्या बैटरी सर बैटरी गई मैडम यस yes. यस yes, बैटरी यस yes, बैटरी अपनी बैटरी चार्ज है तुम अपनी बैटरी चार्ज रखो कैमरे की बैटरी हम चेंज कर रहे हैं यस yes, यहां पर मैं बताने वाला हूं जल्दी से आ जाओ राइम स्कीम बता रहा हूं इस पोयम की पहली स्टाइन जाके कुछ बच्चों की विकेट गिर गई है दो तीन हजार बच्चे निकल गए लेकिन मानना पड़ेगा यार तुम लगातार बने दो लाख बच्चे इस इस लेक्चर में दो लाख बच्चे सात हजार बाकी हैं सिर्फ साढ़े छह हजार दो लाख का टारगेट पूरा हो रहा है यहां पर देखो अभी ये पोयम है अब यहां पर मैं राइम स्कीम आपको बताना चाहता हूं बहुत से बच्चों को आता भी है यहां राइन स्कीम करने के लिए राइम स्कीम के लिए आप लास्ट वर्ड देखते हो क्या दिया है ये अब यहां देखोगे ये यह रो रो को अगर मैं ए समझू एक्चुअल में हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आगे नहीं बोलेंगे यहां डी को पकड़ने का चालू है यस तो पहला समझो ये रो है रो को मैंने ए माना अब रो का राइमिंग कौन है गो रो गो तो इसको भी ए मानने का सेम राइम वाले को हम ए समझते हैं सेम राइम वाले को हम क्या समझेंगे ए अब देखो यहां पर बोट है अब रो गो से मिलता है नहीं अगर मिलता तो इसको भी ए करते हैं अब बोट है तो अगला ए के बाद क्या आता है बी 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 आ गया अब बोट को मिलता जुलता फ्लोट है तो अब जो हमारी स्टेंजा में राइम स्कीम आया वो क्या आया द राइम स्कीम इज ए ए बी बी तो ये होता है राइम स्कीम तो कभी ये आ गया तो कर देना फिगर ऑफ स्पीच या राइम स्कीम होगा ठीक है एवरीवन yes. यस तो इस तरह से ये राइम स्कीम में मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से करना बेटा फिगर ऑफ स्पीच <coughs> चलो अभी आगे चलते हैं यस पोइटिक डिवाइसेस पोइटिक क्रिएटिविटी है अभी पोइटिक क्रिएटिविटी करके यहां पर है एकदम ध्यान से देखना है बच्चों यार तुम लोग इतनी बड़ी तादाद में आयो बड़ा मजा आ रहा है ये बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि ये नहीं भी क्वेश्चन है क्वेश्चन तो करो, कुछ ऐसा है ये पोइटिक क्रिएटिविटी होते यहाँ पर जैसे पर्सनल रिस्पॉन्स होता है ना ये आपकी क्रिएटिविटी है आपको बोला जाता है कि आप कुछ नया क्रिएट करो तुम भी बोलते हो ना कि यार मैं भी कभी कभी लगता हो कि साला मैं भी लेखक ही हूँ कभी कभी तुम भी गाने लिखते हो कविताएं लिखते हो तो यहां पर आपकी बारहवीं की इंग्लिश बोलती है तुम भी कुछ लिखो दो चार लाइन बोलो ऐसे जुबिन नोटियाल जैसे तुम भी कुछ बोलो या हमारे जो पोएट जैसे है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें बोला है कंपोज करो दो से चार लाइन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग यहां पर देखो या क्या बोला है द the थीम एक थीम है रिमोर्स रिग्रीट ये दो थीम दिया है बोला कि इन दोनों थीम में से कोई एक थीम का यूज करके आप खुद की लाइन लिखो आप क्या करो खुद की लाइन लिखो आई रिग्रीट करके देखो यहां पर खुद से यह आंसर है अब मैं इतना पहले से ही मैंने क्यों एडजस्ट किया है क्वेश्चन आंसर क्योंकि तो टाइम नहीं है कम टाइम में ज्यादा करना है और आपकी ही बुक क्या है ये सब आपकी बुक का ही सब कुछ है ये सब आपकी बुक से ये कोई बाहर की बुक से नहीं महाराष्ट्र की बुक से है सब ओके तो आप देखो दो चार लिखना इसने लिख दिया रिग्रेट को लेकर रिग्रेट मतलब क्या होता है कि खेद है क्षमा याचना कि तुम्हें दुख है कि तुम कुछ नहीं कर पाए तुमसे कुछ गलती हो गई तो यहाँ दोनों में से कोई एक वर्ड उठाना है जिसकी मीनिंग आपको पता उसके ऊपर तीन चार लाइन लिख दिया आई आई थिंक ऑफ द द हार्श हार्श रिमार्क रिमार्क केयरलेस एक्शन थ्रो मैंने uh, harsh remark, किसी को कुछ बुरा बोला था उसके बारे में सोचता हूँ मैं केयरलेस एक्शन मैंने किया है कुछ तो हाँ आई वो नॉट टू रिपीट एनी मोर मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा एज आई बिगिन दिस डे न्यू तो ये जो आई रिग्रीट है इस वर्ड रिग्रीट से मिलता जुलता तीन चार लाइन यहां लिख दिया दो मार्क का है कुछ भी लिखोगे एक डेढ़ तो और अच्छे से लिखोगे मीनिंगफुल तो दो मार्क भी मिल सकता है तो यहां पर ये पोयम जो है, ये पोयम 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 जो है मार्क का था लेकिन पोयम के ऊपर एक एप्रिसिएशन आता है पोयम के ऊपर क्या है देखो बच्चों एक एप्रिसिएशन है बिल्कुल ध्यान से रखना है एप्रिसिएशन क्या है कैसे है मैं बताना चाहूंगा यहां पर एडमिन कितने मार्क का था एप्रिसिएशन चार बराबर देखो ये एप्रिसिएशन है वेटेज एडमिन एप्रिसिएशन फोर मार्क बराबर तो चार मार्क का ये एप्रिसिएशन है जैसे मैंने बोला भी आपको बराबर है ना तो देखो अभी एप्रिसिएशन ऑफ पोएम क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं ये आएगा ही आएगा चार मार्क पक्के हैं कहीं बाहर से नहीं आएगा कहीं बाहर से नहीं आएगा पीडीएफ अब पीडीएफ आए डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ लगाया है दिस्... यस yes, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाया है आशीष सर के वेबसाइट का उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपको सारा सारा पीडीएफ मिलेगा और धीरे धीरे वो अपडेट भी हो रहा है जो भी चाहिए सारा ए टू जेड हर एक सेक्शन हर एक क्वेश्चन पैसेज से लेकर पोएट्री तक पोयम तक और उसके बाद राइटिंग स्किल भी राइटिंग स्किल और नोवेल्स की भी चीजें सब अपडेट हो रही है सारा पीडीएफ ए टू जेड सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बिल्कुल टेंशन मतलब एक लिंक है आशीष सर के वेबसाइट की आशीष सर यूट्यूब स्टडी चैनल है उन्होंने बहुत मेहनत से पूरी पीडीएफ डी बनाए हमारे टीम के मेंबर है मुकेश सर आशीष सर मैं हम लोग वर्षा गायकवाड़ जी के भी ऑफिस में गए थे आशीष सर को आपने मेरे साथ लाइव में देखा होगा यार बहुत मेहनत किया तो हम सभी का जो मेहनत है आपके लिए यूजफुल होना चाहिए यस yes, चार मार्क का है अब ये अप्रीसिएशन ऑफ पोयम क्या होता है देखो आपको दो पोयम डिलीटेड है उसको छोड़ देना जो छह पोयम है उसमें से एक पोयम अब आ चुकी है ओके रोल दरवर जो भी था अब उसको छोड़ के जो बचे हुए पांच पोयम है उसका कोई एक अप्रीसिएशन पूछाएगा तो आपको क्या करना है छे के छे जो पोएम है उसकी अप्रिसिएशन याद करके जाने अब याद क्या करने का सर इतना पैराग्राफ हम इंग्लिश में याद करें हाँ हम लोग कल क्या पढ़े थे वो याद नहीं रहता तो एक काम करने का हर एक पोएम के चैप्टर के नाम हर एक पोएम के पोएट या पोएटिस का नाम कवि कवित्री का वो याद कर लेना है ओके और पहली लाइन हमेशा फिक्स रहेगी जैसे कि यहां पर देखो <coughs> अभी एक सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये जो पोयम है ओके सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है ये पूरा दिया रहेगा ये आपको दिया रहेगा मिनट है एप्रिसिएशन नहीं लगाया क्या एक मिनट ये यही है ना हाँ चलो ठीक है ये देखो यहां पर जो एप्रिसिएशन होता है तो पहले तो आपको ये दिया रहेगा पोयम दिया रहेगा बट

मैं बोला ना जो पोयम है उसको अच्छे से पढ़ो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो उस पोयम का नाम okay? पोएट Okay, यहाँ पर पोएट इसका मतलब इस पोयम में बताना क्या चाहते हैं पूरे पोयम की समरी सारांश जो बोलते हैं वो एक लाइन में लिखो तो ये एक्सपेक्टेड होता है अप्रिसिएशन में तो अब आप खुद से कहा बनाओगे कोई सर बना के दे दो हमको ठीक ठीक है 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 बना के के दिया है में पहले समझ तो लो जो 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 उसकी क्या 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 उसका वो वो कहना क्या चाहता है poem? किस ऊपर है? है? उसमें कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज किए हैं यानी जैसे फिगर ऑफ स्पीच की बात कर सकते हैं कौन सा फिगर स्पीच यूज किया हुआ है वहां पर जैसे अभी पीछे था, तो या, या इन्वर्जन था वैसा ओके okay, उसमें ये पोयम मैसेज क्या देना चाहता है वैल्यू या मोरल्स क्या देना चाहता है इस पोयम के स्पेशल फीचर्स क्या है तुम्हारा क्या ओपिनियन है ओके okay, वो तुम्हें बताना है तो इतने पॉइंट दिए जरूरी नहीं कि हर पॉइंट ही कवर हो चार मार्क का है इतने पॉइंट ये आपकी हेल्प के लिए दिया ये आप समझ लो इतनी सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती है कि आप पोयम का नाम लिख रहे हो टाइटल पोयम पोएट लिख रहे हो के, पोयम की थीम लिख रहे हो उसका वहां पर डिवाइस और, तो आप, आप और आपको कोई बाहर से पोयम आने वाला नहीं है तो फिक्स छह पोयम है जो भी आपके पोयम है तो वो जो पोयम्स हैं उन पोयम्स को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया उससे आप अच्छे से तैयार कर लो पढ़ लो और उसका भी स्टाइल है जैसे कि यहां पर देखो अभी जैसे मैं एक अप्रीशियेशन आपके सामने रख रहा हूँ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये पोयम है अब यहां पर हम बताएंगे कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये जो है अमेरिकन पोएट वॉल्ट वाइटमैन जो है बाई इसने लिखा हुआ है थोड़ा आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि दिस पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटर्न बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हाइटमैन ऐसे लिख सकते हो ग्लाइन ओके okay, यहाँ पर थोड़ा सा एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा है आप थोड़े अपनी भाषा में लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा जरूरी नहीं कि ये रट्टा ही मारना तो पहली लाइन भी लिखोगे यहाँ मार्क्स मिलेगा आधे से एक मार्क्स ये जरूरी है समझ में आ रहा फिर उसकी थीम लिखो कि वो मैसेज क्या देना चाहता है दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक अब ये जो पोयम है वो कौन सी बुक से लिया है तो यह हर एक पोयम का कोई ना कोई बुक होता है हर एक पोयम किसी न किसी बुक से लिया गया वो भी याद कर लेना हर एक पांच ही छह तो पोयम है उसमें से आप याद कर लेना कि ये पोएम का नाम क्या है इसके पोएट कौन है और ये कौन सी बुक से लिया गया है तो ये इस बुक से लिया गया है और ये पोएम बताना क्या चाहता है तो ये बताना चाहता है इट इज अबाउट ऑप्टिमिज्म एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस के बारे में कि जो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास होता है उसके बारे में बताना चाहता है समझ में आ रहा है और मोबिलिटी ओके okay? और फ्रीडम के बारे में बताना चाहता है तो ये अभी कौन सी बुक से लिया गया और इस पोयम में क्या बताना चाहता है तो पैराग्राफ पहला गया फिर पैराग्राफ चेंज करने का कि इस पैराग्राफ में जो पोइटिक डिवाइसेस क्या है इस पैराग्राफ में फिर मैसेज क्या देना चाहता है वो सारी चीजें लिख के और जरूरी नहीं कि इतना बड़ा ही लिखो आपको जितना समझता है उतना लिखेंगे तो भी चलेगा तो ये पोयम के बारे में हो गया। हो गया गए अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो सेक्शन टू यहां पर खत्म होता है बिल्कुल इस तरह से अभी ये सारे जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट है हमारी आशीष सर की उसकी लिंक दिया है वहां से सारे पीडीएफ फिगर ऑफ स्पीच हो गया एप्रिसिएशन हो गया जितने भी ग्रामर हो गए वो दिया है मैंने खुद ने ग्रामर पढ़ाए हुए आधे आधे घंटे बीस बीस मिनट दस दस मिनट के अंदर सारे टॉपिक कवर किए वो टू एक्स की स्पीड में देख के खत्म कर सकते हो और ये जो दो दिन है उसमें जी जान लगा दू अब हमारा देखो बच्चों यहां पर सेक्शन वन और टू मैंने कवर किया और ये जो सेक्शन वन टू था ये ओवरऑल समझो कुछ भी आया तो ये तरीका लगाना तरीका इंपॉर्टेंट होता है करना कैसे कुछ भी आ जाए तो हम ऐसे करेंगे अब सेक्शन थ्री में जो है चीजें हैं वो मैं कल कल कवर करूंगा और सेक्शन फोर की जो चीजें हैं ये मैं कल कवर करूंगा कब करू कब कवर करूंगा तो ये रात को साढ़े सात बजे से लेके कोशिश करूंगा रात के साढ़े दस या साढ़े दस बजे तक पूरा एक्सप्लेन करके दूं क्योंकि हमारे सेक्शन थ्री में क्या है राइटिंग स्किल है भाई राइटिंग स्किल सोलह मार्क का है सोलह मार्क हाथ के जो नोवेल है सेक्शन फोर में नोवेल है नोवल की स्टोरी में आपको समझाऊंगा पांच पांच बता दूंगा कि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इसमें एग्जैक्टली exactly है क्या जो पांचवा एक क्वेश्चन है वो कैसे आप आसानी से कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप नॉवेल्स में आते हैं फाइव 4.2 की जो स्टोरी बड़े मजेदार है ओके फोर पॉइंट है इसमें जैसे कि पूरी वर्ल्ड घूमने वाला जो एक बंदा है पूरी दुनिया घूमता है कैसे वो एक लड़की उठा के लेके जाता है इंडिया से वो देखेंगे आ, पूरा दुनिया अस्थि दिन में घूमने का कैसे वो चैलेंज लगाता है और फिर एक जो फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट फू ये सारी स्टोरीज बता दूंगा ताकि वो नॉवल आप पढ़े रहोगे फिर उसका कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर उन वर्ड्स में भी लिख पाओगे और ये जो नॉवेल्स हैं इन नॉवेल्स के भी क्वेश्चन आंसर कैसे आ सकते हैं तो आपको क्या करना है अगर अभी रात में ही तैयारी करनी है तो हर एक नॉवल जो ये दिया है फोर देखो फिक्स है कि फोर से पांचवा बी क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब करो फोर पॉइंट थ्री से पांचवा सी आएगा फोर पॉइंट फोर इस मतलब ये चारों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है इन चारों चैप्टर में से ही आपको चार क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन चार चार मार्क के होंगे दो दो मार्क के ऐसे समझ में आ रहा है तो ये पांचवा ये चार मार्क का पांचवा बी चार पांचवा सी चार पांचवा डी चार सोलह मार्क हो गया ये नोवेल के ऊपर तो आपको ये चार चैप्टर जैसे मैंने बताया कि छह पोय आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं चैप्टर तैयार करने मत जाओ छह पोयम और ये लास्ट के ये नोवेल के लिए चार चैप्टर ये अच्छे से तैयार करो अच्छा इसमें क्या होता है कि जैसे पोयम के बारे में पढ़ रहे हो ना कि वो पोयम में एग्जैक्टली exactly है क्या तो वैसे ये जो चैप्टर 4.1 हिस्ट्री ऑफ है यानी कि कैसे 2000 से शुरू हुआ कैसे नॉवल चला आया फिर विदेशों में कौन कौन से देशों में कौन कौन से नॉवल्स फेमस हुए उसको किसने लिखा था फिर इंडिया में जैसे पहला नॉवल था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय करके उन्होंने लिखा था फिर कैसे हमारे नारायण के आर के नारायण ने मालगुड़ी डेज लिखा था वो फेमस हुआ था तो वो सब कैसे हुआ तो वो सब फोर पॉइंट वन में हिस्ट्री है और हिस्ट्री में तो हमें नींद आती थी है ना हिस्ट्री कौन याद रखेगा इतने बड़े बड़े नाम और ईयर कब क्या हुआ था तो लेकिन इसके ना ऑब्जेक्टिव आएंगे बेटा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ रहा है आएंगे एकदम तो वो हो जाएगा अगर नहीं भी तुझे आता है क्लास में एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास समझ रहा है ना ऑब्जेक्टिव में एक बच्चे को भी आता तो ये चार मार्क तेरे हाथ का है तुझे नहीं भी आता होगा तो भाई इसको तू लास्ट में तीन घंटे भी होने के बाद आधे घंटे जोर मारना राम नाम जपना सबका पेपर अपना समझ आ रहा है चोरी करना पाप नहीं है पकड़े जाना पाप है पकड़े मत जाना ठीक है अब तू समझ में क्या बता रहा हूं अगर जिसको नोवेल से डर लगता है दूसरा फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फोर ये जो चैप्टर है इनकी स्टोरी में कल बताने वाला हूं कल मैं स्टोरी बताऊंगा ये है क्या अपने वर्ड्स में बताऊंगा एग्जाम्पल देखें और आप अच्छे से समझ जाओगे और उसके जो क्वेश्चन है यहाँ पर तो जैसे मैंने बताया पोयम की अप्रिसिएशन हर एक पोयम का थीम क्या है इस पोयम में पोएट क्या मैसेज देना चाहता है वैसे आप याद कर लो कि फोर पॉइंट टू की स्टोरी क्या है ओके उसमें मैसेज क्या है अब मैं स्टोरी तो मैं कल बता दूंगा बट आप आज ही पी जो है डिस्क्रिप्शन में है वहां से ये जो नॉवेल्स हैं इनका कुछ याद करना है तो सेंट्रल थीम याद कर सकते हो क्योंकि डिस्क्राइब करना है हो सकता है कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना है कुछ भी है तो ये मैं कल आपको डिटेल में लूंगा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है आज ही पढ़ना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर लू मैं कल इसको एक्सप्लेन करने वाला टाइम नहीं है साढ़े नौ बज के दो घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ यस yes! दो घंटे से कुछ बच्चे थक के चार पांच हजार चले गए आप लोग वादा करो कल भी आओगे सेशन को लाइक करना है रिकॉर्ड बन चुका है दो लाख पंद्रह हजार बच्चे इस सेशन में आए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल भी आएंगे साढ़े सात बजे रात को मुकेश सर का चैनल भी रिफर कर सकते हैं आशीष सर का जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में उसको रिफर कर सकते हैं आप लोग कल भी आएंगे जबरदस्त तरीके से कल रात के दस ग्यारह तो पेपर आपका परसों टेंशन मत लेना चार मार्च को है। तुम अभी रात से कल पूरा सुबह दोपहर शाम तक अच्छे से सेल्फ स्टडी से करो सारी चीजें करो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और पढ़ते रहो पोयम और लास्ट के फोर पॉइंट वन टू थ्री फोर यह अच्छे से करना अगर आपको ये नहीं जम रहा बहुत बड़ा बड़ा होता है नोवेल्स ये मैं बताऊंगा टेंशन मत लें कल इसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा राइटिंग स्किल की बात करते हैं जो थर्ड सेक्शन है राइटिंग स्किल के ऊपर जो पीडीएफ है बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ हमने दिए हैं वो देख लो मुकेश सर के जो प्रमोद सर हैं उनका वीडियो देख लो राइटिंग स्किल के ऊपर मैं कल इसको भी एक्सप्लेन करूंगा तो इसको भी करूंगा सभी लोग आना है चैट में बता दो कि आप कौन से जिले से हो औरंगाबाद अमरावती नांदेड़ ओके धुलिया रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सातारा हमारे पूरे छत्तीस जिले के मुंबई नई मुंबई ठाणे पालगढ़ जहां से वो चैट में डालो और आप डालो थम करके कि येस आई कम यस आई कम डालो जल्दी से भाई कुछ जाएगा नहीं मैं अभी लेक्चर बंद कर रहा हूं काफी टाइम हुआ आपको खुद भी पढ़ना सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस हमारा रहेगा सेल्फ स्टडी आपकी रहेगी भाई जल्दी से डाल दो चैट में आप कहा से हो यस yes, वेरी गुड पुणे धूल नागपुर मुंबई नाशिक पंडरपुर थाने नागपुर नाशिक पुणे जलगांव कल्याण शिरपुर यस yes, बुलडाना यस yes, सातारा जौनपुर अरे यूपी से भी लातूर भंडारा ओके okay, धूल क्या बात है क्या बात है पालघर बुलडाना रायगढ़ औरंगाबाद थाने नासिक यस यस वेरी गुड वेरी गुड मुंबई भंडारा चंद्रपुर शाबाश अहमदनगर बुल्ढाना औरंगाबाद लातूर सिंधुदुर्ग पालघर वेरी गुड रायगढ़ शाबाश चलो कल मिलते हैं साढ़े सात बजे और सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी करते रह। करते रहो रहो बाय एवरीवन टेक केयर मिलते सेशन को लाइक कर देना बच्चों अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादातर शेयर जरूर करना कल मिलेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से कल एकदम इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स और नोवेल एकदम दिमाग में घुसा दूंगा बेटा एकदम दिमाग में मेरा लेक्चर देखते ही तेरे दिमाग में चला जाएगा सब चीजें ऐसे तेरे को अपनी भाषा समझ जाएगा जैसे तुझे पुष्पा मूवी लगी थी ना वैसे सारी नॉवेल्स की मूवी लगेगी और तू फिर से क्या चालू हो जाएगा पुष्पा जैसा कल नॉवेल्स के ऊपर चल बाय एवरी टेक केयर मिलते हैं बाय बाय बाय